आज की सभा में उपस्थित औरंगाबाद नगर के सम्माननीय नागरिक बंधु, मैं आप सभी का बहुत आभारी हूं कि आप यहां उपस्थित हैं और मुझे आपसे संवाद करने का, बात करने का थोड़ा समय मिल रहा है। और एक बहुत गंभीर विषय पर, गोरक्षा या गो हत्या बंदी, इस विषय पर मुझे आपसे कुछ ऐसी बातें कहनी है जो शायद आपने पहले कभी सुनी ना हो, पढ़ी भी ना हो। पिछले कई वर्षों से मैं भारत देश की कुछ समस्याओं पर अभ्यास कर रहा हूं, उनमें से ये एक समस्या है जो गो हत्या की है। गो हत्या की समस्या इतनी बड़ी है हमारे भारत देश में कि हर साल 2,50,00,000 गाय का कत्ल इस देश में होता है, और 2,50,00,000 गाय और गोवंश का कत्ल करने के लिए 3,600 कत्ल खाने इस देश में चलते हैं। भारत सरकार के रजिस्ट्रेशन से चलने वाले ये कत्ल खाने 3,600 के आसपास हैं। बिना रजिस्ट्रेशन चलने वाले जो कत्ल खाने हैं उनकी कोई माहिती सरकार के पास नहीं है। एक बार मैंने भारत सरकार के कृषि मंत्रालय को, जिसके अधीन में पशु मंत्रालय भी आता है, पशुधन विभाग आता है, उनको एक खत लिखा था, पत्र लिखा था, और उनको ये पूछा था कि जो रजिस्टर्ड कत्ल खाने हैं जिनका सरकार ने अनुमति पत्र दिया है उनकी संख्या 3,600 है, अनरजिस्टर्ड कितने हैं। तो उनका, हमने आज तक गिनती नहीं किया है लेकिन हमारा अनुमान है कि 36,000 कत्ल खाने अनरजिस्टर्ड है। 36,000 कत्ल खानों में प्रतिवर्ष 2,50,00,000 गाय और गोवंश का कत्ल हो रहा है। इस कत्ल में से 72,00,000 मीट्रिक टन मांस उत्पन्न होता है और ये मांस भारत देश से बाहर दूसरे देशों में निर्यात किया जाता है। सबसे ज्यादा भारत के गाय और गोवंश का मांस अमेरिका भेजा जाता है, दूसरे नंबर पर यूरोप के देशों में भेजा जाता है, और थोड़ा कुछ बच जाता है तो अरब देशों में चला जाता है। भारत की गाय का मांस अमरीकी लोग सबसे ज्यादा खाते हैं, यूरोप के लोग भी भारत की गाय का मांस खाना पसंद करते। उसके बारे में थोड़ा मैंने अभ्यास किया कि ये अमरीकी लोग अपने देश की गाय का मांस क्यों नहीं खाते, भारत की गाय का मांस क्यों खाते, यूरोप में भी गाय होती है वो अपनी गाय का मांस क्यों नहीं खाते। तो पता ये चला कि यूरोप और अमेरिका की जो गाय है उसको कई गंभीर बीमारियां हैं, और उनमें से एक बीमारी का नाम है मैड काउ डिसीज। इस बीमारी में क्या होता है कि गाय का सिर का जो सींग होता है, हॉर्न, उसमें घाव हो जाते हैं, पस पड़ जाता है, और गाय के जो पैर होते हैं उसमें भी घाव हो जाता है, पस पड़ जाता है। तो सामान्य रूप से अमेरिका और यूरोप की गायों को ये बीमारी रहती है, और इस बीमारी का मांस, माने इस बीमारी से प्रभावित गाय का मांस कोई खाए तो कोई व्यक्ति को इससे भी ज्यादा गंभीर बीमारी होने की शक्यता है। इसलिए यूरोप और अमेरिका के लोग आजकल अपने देश की गाय का मांस कम खाते हैं, भारत की गाय के मांस की उन्हें ज्यादा डिमांड है। कारण क्या है? भारत की गायों को ये बीमारी नहीं होती है। मैंने इस विषय पर थोड़ा और अभ्यास किया कि भारत की गाय में ऐसी क्या विशेषता है जिसको ये बीमारी नहीं है, और अंग्रेजी गाय में क्या तकलीफ है, यूरोपियन अमेरिकन गाय में क्या है जो ये बीमारी ज्यादा है। तो पता चला कि यूरोपियन और अमेरिकन गाय को भी मांसाहारी भोजन कराया जाता है, और गाय मूलतः शाकाहारी प्राणी है। तो शाकाहारी प्राणी को अगर मांसाहारी भोजन कराओ तो कुछ ना कुछ तो उसके साइड इफेक्ट्स आएंगे, वो यही है। आपके मन में प्रश्न आएगा कि ये यूरोप और अमेरिका वासी क्यों गाय को मांसाहारी भोजन कराते। ये मैंने उनके यहाँ प्रश्न एक बार पूछा। यूरोप में गाय पालन करने वाली जो संस्थाएं हैं उनको जब मैंने ईमेल किए और उनसे पूछा कि आप इनको मांस क्यों खिलाते हो गाय को, तो कहते हैं मांस बढ़ाने के लिए मांस खिलाते। गाय के शरीर में मांस की मात्रा और ज्यादा बढ़े इसके लिए मांस खिलाते। और मुझे पहली बार पता चला मेरे जीवन में कि यूरोप की सभी गाय मांस के लिए ही पाली जाती है, दूध उनके लिए सेकेंडरी प्रोडक्ट है। दूध पीने की यूरोप और अमेरिका में कोई परंपरा नहीं है, वो दूध पीना ज्यादा पसंद भी नहीं करते।
लेकिन मांस खाना पसंद करते हैं, तो गाय को वहां मांस के लिए पाला जाता है। और इसीलिए गाय को पिछले 50 साल में इतना मोटा बना दिया है उन्होंने कि वो अभी भैंस से भी ज्यादा बदतर हो गई है। यूरोप और अमेरिका की जो जर्सी गाय है, होलिस्टियन है, फ्रीजियन है, जो उनकी प्रजातियां हैं, वो सभी बहुत ही विचित्र किस्म की है। उनमें गाय का कोई भी गुण नहीं बचा है। जितने दुर्गुण भैंस में होते हैं वो सब जर्सी गाय में दिखाई देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, जर्सी गाय को अपने बच्चे से कोई लगाव नहीं होता और जर्सी गाय अपने बच्चे को कभी पहचानती भी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि जर्सी गाय का बच्चा किसी दूसरी जर्सी गाय के साथ चला जाए तो उसको कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन भारत की जो देशी गाय है ना, वो अपने बच्चे से इतना लगाव रखती है, इतना प्रेम करती है कि अगर उस बच्चे को किसी ने बुरी आंख से भी देखा तो मार डालने के लिए तैयार हो जाती है। और भारतीय गाय की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि लाखों की भीड़ में वो अपने बच्चे को पहचान लेती है और लाखों की भीड़ में उसका बच्चा अपनी आई को पहचान लेता है। जर्सी गाय कभी भी पैदल नहीं चल पाती है, चलाने की कोशिश करो तो बैठ जाती है। लेकिन भारतीय गाय की यह विशेषता है कि कितने भी ऊंचे पहाड़ पर उसको चढ़ा दो वो चढ़ के चली जाती है। अगर कभी आपको मौका मिले तो हिमालय की परिक्रमा करिए। हिमालय पर्वत पर जितनी ऊंचाई तक मनुष्य जा सकता है उतनी ऊंचाई तक आपको देशी गाय मिलेगी। गंगोत्री जाइए, जमुनोत्री जाइए, बद्रीनाथ जाइए, केदारनाथ जाइए, ये चारों तीर्थों को अगर आप यात्रा करें तो हिमालय की परिक्रमा लगभग हो जाएगी। आपको हर जगह देशी गाय मिलेगी जो 8,000 फीट, 9,000 फीट, 10,000 फीट की ऊंचाई तक आराम से चली जाती है, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन जर्सी गाय को 10 फीट भी ऊपर चढ़ाना पड़े तो उसको तकलीफ आ जाती है। जर्सी गाय का पूरा स्वभाव भैंस के जैसा है। अगर सड़क पर कहीं भैंस खड़ी हो, सामने से ट्रक आता हो, पीछे से बस आती हो, कितना भी हॉर्न बजाए वो हटती नहीं, क्योंकि हटने के लिए जो IQ चाहिए वो उसमें नहीं है। ठीक ऐसा ही जर्सी गाय में होता है। जर्सी गाय सड़क पर खड़ी हो, कितना भी हॉर्न बजाओ, वो भी नहीं हटती। सामान्य रूप से ये जो जर्सी गाय है, इसके बारे में यूरोप के लोग ऐसा मानते हैं कि इसको विकसित किया गया है डूब करके जीन से, सुअर के जीन से विकसित किया गया है। और इसमें जितनी भी जर्सी गाय है यूरोप और अमेरिका में, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि इनका जो वंश बढ़ाया गया है वो सब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से बढ़ाया गया है सबका। और आप जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में ये गुंजाइश है कि आप चाहें तो घोड़े का जीन्स उसमें डाल दें, आप चाहें तो डुकर का डाल दें, सुअर का डाल दें, कुछ और जानवरों का भी डाल सकते हैं। और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से ही उसको गर्भवती बनाया जाता है। ये उनके यहाँ पिछले 50 साल से चल के आता है। यूरोप और अमेरिका के जो भोजन विशेषज्ञ हैं, न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट्स जिनको माना जाता है, वो सभी कहते हैं कि अपनी गाय, माने यूरोप और अमेरिका की जर्सी गाय का भोजन अगर करें तो 15 से 20 साल में कैंसर होने की शक्यता, डायबिटीज तो सबसे जल्दी होता है, अर्थराइटिस, रूमेटिड अर्थराइटिस, ऑस्टियो अर्थराइटिस, अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा, ऐसे 48 रोग होने की सबसे ज्यादा संभावना है यूरोप और अमेरिका की गाय का मांस खाओ तो अब वहां पर एक अभियान चल रहा है यूरोप और अमेरिका में। वो अभियान यही है कि उनके देश में जो गाय है उसका मांस कम से कम उपयोग करो और भारत जैसे देश में जो सुरक्षित गाय है इसका मांस ज्यादा से ज्यादा खरीदो। तो भारत सरकार के साथ यूरोपियन कमीशन ने और अमेरिका ने एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। उस एग्रीमेंट के साथ हर साल हमारी सरकार 72 लाख मीट्रिक टन मांस यहाँ से गाय और गोवंश का भेजती है और उसके लिए 2.5 करोड़ गाय को हर साल इस देश में कट जाना पड़ता है। ये जो समस्या है हमारे देश में गो हत्या की,
ये आजादी के बाद पैदा हुई है ऐसा नहीं है, ये आजादी के पूर्व की समस्या है। आजादी जब हमें मिली 15 अगस्त 1947 को, तो महात्मा गांधी जीवित थे और महात्मा गांधी के सामने अंग्रेजों की सरकार ने एक प्रस्ताव लाया था। वो प्रस्ताव ये था, गांधी जी को पूछा गया था, माउंटबेटन ने उनको एक चिट्ठी भेजी थी और ये कहा था कि बापू आप बार बार कहते हो कि गो हत्या बंद होनी चाहिए, गोरक्षा होनी चाहिए और अंग्रेजों की सरकार बड़े पैमाने पर गाय का कत्ल करती थी, तो गांधी जी ने बार बार कहा कि ये गाय का कत्ल बंद होना चाहिए, गोरक्षा होनी चाहिए। तो माउंटबेटन ने गांधी जी को पत्र लिखा और कहा कि अगर आप बोलो आजादी और गोरक्षा में से क्या चाहिए आपको, आजादी चाहिए या गोरक्षा चाहिए, दोनों में से कोई एक चुनाव आप करो। तो गांधी जी ने पत्र का उत्तर दिया कि देखो अगर अंग्रेजों की यही कोई शर्त है कि आजादी और गोरक्षा में से कोई एक चीज चाहिए तो मैं गोरक्षा पसंद करूंगा और गाय की रक्षा हो गई तो आजादी तो फिर आपसे मैं ले ही लूंगा। उसके लिए आपकी दया नहीं चाहिए, बस आपकी दया गाय पर चाहिए कि आप गाय का कत्ल बंद कर दो। जिस समय ये घटना घटित हुई उसी समय गांधी जी के बारे में अंग्रेजों के एक अखबार में एक लंबा आर्टिकल छपा। गांधी जी ने उसका जवाब दिया और गांधी जी ने कहा कि मैं भारत में चाहता हूं कि एक भी गाय का कत्ल नहीं होना चाहिए और अंग्रेजों की सरकार ने 350 कत्ल खाने खोले हुए हैं और हर दिन इनमें 50,000 से ज्यादा गाय कटती है और ये सारी की सारी गाय का मांस अंग्रेजों की पुलिस और अंग्रेजों की सेना खाती है, जो बच जाता है उसे इंग्लैंड भेज दिया जाता है। मेरे देश में अगर गाय की हत्या होती है तो मैं मानता हूं कि वो सबसे जघन्य अपराध है जो हो रहा है। उस पत्र में गांधी जी ने बहुत लंबी लंबी कई बातें लिखी। उन्होंने कहा कि भारत में गाय अर्थव्यवस्था का केंद्र है और संस्कृति का आधार है, बिना गाय के भारत की संस्कृति की कल्पना नहीं हो सकती और बिना गाय के भारत की अर्थव्यवस्था नहीं चल सकती। भारत की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है और गाय कृषि का मूल आधार है, इसलिए मैं चाहता हूं कि गाय की हत्या तत्काल बंद होनी चाहिए और अगर अंग्रेजों की सरकार मुझे ये ऑप्शन दे रही है कि आजादी और गोरक्षा इन दोनों में से कोई चीज आप चुन लो तो मैं गोरक्षा पसंद करूंगा और एक बार भारत की गाय बच जाए तो आगे तो आजादी हम ले लेंगे। बाद में गांधी जी ने लिखा कि अगर अंग्रेज चले जाएं भारत छोड़कर और भारत की सरकार भारत में आ जाए तो सबसे पहला कानून भारत में गोरक्षा का ही बनेगा, ये मैं भारतवासियों को वायदा करता। अब गांधी जी का ये पत्र अखबारों में छपा, भारत के अखबारों में भी बहुत जोरदार छपा और ये जो पत्र छपा गांधी जी का भारत के अखबारों में, खासकर हिंदुस्तान टाइम्स ने फ्रंट पेज पर इसको छापा। ये सब घटना 1946 के आसपास की है, दिसंबर के महीने की। तो गांधी जी को बहुत सारे लोगों ने पूछना शुरू किया, खासकर अंग्रेजों ने, कि आप गाय के लिए इतने क्यों परेशान हैं। तो गांधी जी ने सबसे इमोशनल स्टेटमेंट किया, शायद उनके जीवन का इससे ज्यादा इमोशनल स्टेटमेंट नहीं था। उन्होंने कहा अंग्रेज चाहे तो मेरी हत्या कर दे लेकिन गाय को छोड़ दे। अगर अंग्रेजों को ऐसा लगता है कि गांधी की हत्या करके उनके मन को संतोष होता है तो वो बेशक मेरी हत्या करें लेकिन गाय को छोड़ दें, क्योंकि ये गाय हमारी संस्कृति का आधार है, अर्थव्यवस्था का आधार है। गांधी जी ने जब ये कहा कि भारत में आजादी आएगी और सरकार बनेगी तो सबसे पहला कानून गो हत्या बंदी का ही होगा, गांधी जी चले गए। 30 जनवरी 1948 को उनकी हत्या हो गई। उसके बाद इस देश की संसद में 1952 में ये बात आई कि गोरक्षा का कानून बनना चाहिए। गांधी जी की आत्मा को श्रद्धांजलि यही होगी। तो गांधी जी के सबसे परम प्रिय शिष्य पंडित जवाहरलाल नेहरू संसद में खड़े हुए। उन्होंने कहा ठीक है,
अगर गोरक्षा का कानून बनना चाहिए तो इस पे प्रस्ताव आना चाहिए। तो संसद में एक सांसद हुआ करते थे, उनका नाम था महावीर त्यागी। कुमार समाजी थे और हर बार सोनीपत से चुनाव लड़के जीते वो भारत की संसद में। सबसे पहला चुनाव 1952 में हुआ और बहुत भयंकर वोटों से जीत के आए थे। वो कांग्रेस में शामिल नहीं हुए, किसी भी पक्ष में शामिल नहीं हुए, वो निर्दलीय चुनाव लड़ते थे। तो महावीर त्यागी ने कहा ठीक है, मैं मेरे नाम से प्रस्ताव लाने की तैयारी करता हूं। उन्होंने प्रस्ताव लाया, उस पर बहस हुई। बहस के बाद ये तय किया गया कि वोट किया जाए इस पर। तो जब वोट करने का दिन आया तो नेहरू जी ने एक बयान दिया जो लोकसभा के रिकॉर्ड पर है, आप चाहें तो रिकॉर्ड में पढ़ सकते हैं। नेहरू जी ने कहा कि अगर आज ये प्रस्ताव पारित हुआ तो मैं शाम को इस्तीफा दे दूंगा, अगर ये प्रस्ताव पारित हुआ तो मैं शाम को इस्तीफा दे दूंगा, मतलब गोरक्षा अगर हो गई इस देश में तो मैं प्रधानमंत्री नहीं रहूंगा। परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि जो कांग्रेसी नेता गोरक्षा के समर्थन में संसद में भाषण करे और गोरक्षा के समर्थन में वोट डालने को तैयार हुए, नेहरू जी का ये वाक्य सुनते ही सब पलट गए। क्योंकि उस जमाने में क्या होता था, नेहरू जी अगर छोड़ दें पद तो फिर क्या होगा? सरदार पटेल की तब तक स्वर्गवास हो चुका था 1950 में, तो नेहरू जी अकेले नेता रह गए थे कांग्रेस में। कांग्रेसियों को ऐसा लगता था नेहरू इज इंडिया, इंडिया इज नेहरू, भारत है तो नेहरू है, नेहरू है तो भारत है, और ये नारे बहुत बार लगाए गए इस देश में। कई बार ये भी कहा गया इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। शायद इनकी स्वभाव ऐसी है कांग्रेसियों की। तो इन्होंने कहा कि नेहरू जी ने इस्तीफा दिया तो हम तो फिर गए, तो इतना हंगामा किया संसद में कि वोट ही नहीं हुआ, और अगले दिन महावीर त्यागी को मजबूर कर दिया और वो प्रस्ताव वापस लेना पड़ा। महावीर त्यागी ने प्रस्ताव वापस लेते समय भाषण किया और वो बहुत ही जोरदार भाषण है, वो भी लोकसभा के रिकॉर्ड्स में है। उसमें उन्होंने कहा कि मिस्टर नेहरू, पंडित नेहरू, मैं आपको याद दिलाता हूं कि आप महात्मा गांधी के परम प्रिय शिष्य हैं। गांधी जी ने वायदा किया था कि आजादी मिलने के बाद पहली सरकार बनेगी तो सबसे पहला कानून गोरक्षा का बनेगा, अब आप ही उससे हट रहे हैं तो हम कैसे माने कि आप गांधी जी के शिष्य हैं। इससे भी आगे कहा कि नेहरू जी, मैं आपको आपके पुराने भाषणों की याद दिलाता हूं जो आपने अलग अलग समय पर अलग अलग जगह दिए हैं, और हर जगह आपने एक ही बात कही है कि मुझे किसी कत्ल खाने के सामने से गुजरना पड़े तो घिन आती है और अंदर से आत्मा द्रोह करती है, ये कत्ल खाने तत्काल बंद हो, ये आपने कितनी बार कहा है, लेकिन जब समय आया कानून बनाने का और गो हत्या रोकने का तो आप पीछे हट रहे। नेहरू जी ने उनके इन सब बातों का कोई उत्तर नहीं दिया। उसके बाद क्या हुआ, बात आई गई हो गई, प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। थोड़े दिन के बाद सन 1956 में नेहरू जी ने एक चिट्ठी लिखी सभी मुख्यमंत्रियों को, भारत के मुख्यमंत्रियों को, और उसका पहला पैराग्राफ मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। अंग्रेजी में लिखी लेकिन मैं हिंदी में बताता हूं। वो लिख रहे हैं मुख्यमंत्रियों को कि देखिए, अगर हमने गाय का कत्ल बंद करा दिया तो भारत में आने वाली विदेशी मुद्रा बहुत कम हो जाएगी, और गाय ही एक ऐसी जीव है जो इस समय हमको सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा दे रही है, और गाय का कत्ल करके जो मांस है वो बहुत महंगा हम बेचते हैं, और इस गाय के शरीर से निकला हुआ जो चमड़ा है ये भी बहुत बड़े पैमाने पर हम निर्यात करते हैं, और गाय को कत्ल करके जो चमड़ा उतारा जाता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, और यूरोप और अमेरिका के नागरिकों को सॉफ्ट जूते और चप्पल पहनने की आदत है, तो हम क्यों इसको निर्यात बंद करें। मैं आप सभी को अपील करता हूं कि आप अपने अपने राज्यों में
गाय का कत्ल बढ़ाने के लिए अगर कुछ कर सकें तो जरूर करें। ये नेहरू जी की चिट्ठी है और ये भी रिकॉर्ड में है। अब नेहरू जी का कौन सा स्वरूप सही था और कौन सा गलत, ये अभी फैसला करने का समय मैं मानता हूं कि आ गया है। जब वो गांधी जी के साथ मंच पे खड़े होकर भाषण करते हैं तो कहते हैं मैं कत्ल खाने के सामने से गुजरता हूं तो आत्मा चीत्कार करती है और मैं चाहता हूं कि सारे कत्ल खाने बंद हो। और जब वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिख रहे हैं कि गाय का कत्ल बंद मत करो क्योंकि इससे विदेशी मुद्रा मिलती है। उस पत्र का सबसे अंतिम वाक्य बहुत खतरनाक है। उसमें नेहरू जी लिख रहे हैं कि मान लो हमने गाय की हत्या बंद करा दी और गोरक्षा होने लगी तो सारी दुनिया हम पर हंसेगी कि हम भारत को 18वीं शताब्दी में लेके जा रहे हैं। अर्थात नेहरू जी को यह लगता था कि गाय का कत्ल होने से देश 21वीं शताब्दी की ओर जाएगा और गोरक्षा होने से 18वीं शताब्दी में चला जाएगा। ये पत्र पढ़कर मैं बहुत विचलित हुआ। हमारे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, उनका नाम है रवि राय, लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। उनकी मदद से ये पत्र मुझे मिला पार्लियामेंट की लाइब्रेरी से। अब मैं तो कोई एमपी नहीं हूं, पार्लियामेंट में जा नहीं सकता, लाइब्रेरी में भी नहीं जा सकता, लेकिन एक दिन रवि राय जी को मैंने कहा कि आप निकलवा दीजिए, मुझे जरा पढ़ना है, ये इसकी फोटोकॉपी भी रखनी है, कभी भविष्य में काम आए, और वो फाइल भी देखनी है जिसपे नेहरू जी का नोट है। तो उन्होंने बेचारे ने बड़ी मदद की और ये सब निकलवा दिया। ये पढ़ के मैं बहुत परेशान हुआ और मैंने ये जानने की कोशिश की कि आखिर नेहरू जी के जीवन में वो कौन सी बात थी जिसके कारण वो गो हत्या को चालू रखना चाहते थे। पत्र में वो लिख रहा है कि इससे विदेशी मुद्रा मिलती है, तो क्या सिर्फ विदेशी मुद्रा ही एक बड़ा प्रश्न था या इसके पीछे भी कुछ और था? मेरा एक व्यक्तिगत मानना है, वो गलत भी हो सकता है, कि व्यक्ति अपने सार्वजनिक जीवन में जो कुछ भी करता है उसकी जड़ उसके निजी जीवन में जरूर होती है। वो भारत का प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, देश के किसी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ हो, या कोई संत हो, महंत हो, साधु हो, प्रोफेसर हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, या साधारण किसान हो, मजदूर हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो सार्वजनिक जीवन में कुछ कर रहा है तो उसकी जड़ें उसके निजी जीवन में जरूर होती हैं। पब्लिक लाइफ में व्यक्ति जिस तरह से व्यवहार करता है उसका रिफ्लेक्शन उसके प्राइवेट लाइफ से निकलता है। माने नेहरू जी की प्राइवेट लाइफ में क्या था जो गाय की हत्या के लिए वो इतने परेशान, और इसके लिए मैंने बहुत प्रयास किया। उनके निजी जीवन के बारे में, प्राइवेट लाइफ के बारे में बहुत दस्तावेज मैंने इकट्ठे किए, कम से कम 500 से ज्यादा अभी मेरे पास है। तो पता चला कि नेहरू जी स्वयं गाय का मांस खाते थे। इसके पहले मुझे इतना तो मालूम था कि नेहरू जी शराब पीते हैं, और यह भी मालूम था कि चेन स्मोकर हैं, दिन में 60 से 70 सिगरेट पीते हैं, और भी बहुत कुछ मालूम था उनके चरित्र के बारे में, लेकिन ये पहली बार पता चला कि वो गाय का मांस भी खाते हैं। और उनके गाय के मांस के भोजन को बनाकर तैयार करके लंच के रूप में भिजवाने का काम दिल्ली का वो होटल करता रहा जहां अभी थोड़े दिन पहले जॉर्ज बुश रुका। और नेहरू जी का एक लंच का खर्चा उस जमाने में 13,000 रुपए होता था, जिस पर भारत के एक समाजवादी नेता ने बड़ी कड़क टिप्पणी की थी, राम मनोहर लोहिया। उन्होंने संसद में एक दिन बहुत जोरदार भाषण दिया था कि नेहरू, तुम्हारा एक समय का भोजन का खर्च 13,000 रुपए है और भारत के 14 करोड़ लोगों को 2 समय खाने को रोटी नहीं, तुमको शर्म नहीं आती? उस जमाने में संसद में लोहिया जी एक व्यक्ति थे जो नेहरू जी को इस तरह से बोल पाते थे, बाकी तो सब नेहरू के आगे पीछे दुम हिलाके घूमते रहते थे। तो जब ये दस्तावेज मिल गए तो मैं समझ गया कि नेहरू जी के मन में गाय के प्रति जो प्रेम था वो दिखावे का था, गांधी जी को प्रभावित करने के लिए था,
और भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए था। एक बार प्रधानमंत्री बन गए, अब तो कोई कष्ट नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, और सरदार पटेल की मृत्यु के बाद तो कोई नहीं उनके सामने चुनौती देने वाला। तो उनका असली रूप पूरे देश के सामने आया। और ये जितनी बातें मैंने आपसे कही हैं, ये सब भारत की लोकसभा के रिकॉर्ड्स पर मौजूद हैं। कभी इतिहास लिखा जाए तो ये सब उसमें आ जाए। तो हम समझ सकते हैं कि नेहरू जी से कोई अपेक्षा नहीं कि वो गाय की रक्षा करने के लिए कुछ करें। फिर मैंने सोचा नेहरू जी के बाद वालों को क्या हुआ, उनका तो समझ में आ गया, चलो ठीक है। बाद में इतने प्रधानमंत्री आए, उनका क्या हुआ, उन्होंने क्यों नहीं कानून बनाया गोरक्षा का, क्योंकि गोरक्षा का कानून बनाने की बात 1947 से चल रही है, जिस दिन आजादी मिली उस दिन से चल रही है, और अब सन 2006 आ चुका है, लगभग 60 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। तो बाद के प्रधानमंत्रियों ने क्या किया, तो वो रिकॉर्ड्स देखना शुरू किया तो पता चला कि एक बार श्री लाल बहादुर शास्त्री ने और एक बार श्री मुरारजी देसाई ने पूरी ईमानदारी से कोशिश की थी, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो पाए। मुरारजी भाई ने जब ये कानून बनाने का तय किया तब तक देर हो गया और उनकी सरकार गिर गई। या मैं सोचूं दूसरे तरीके से कि उनकी सरकार गिरा दी गई है, क्योंकि उनकी सरकार को गिराने के पीछे जो तर्क था वो हमारे गले आज तक नहीं उतरता। गंभीर कारण कुछ और था, और उसमें से एक गंभीर कारण है जो बिल्कुल स्पष्ट दिखता है। मुरारजी देसाई की सरकार ने एक बहुत क्रांतिकारी काम किया था, अमेरिका की सबसे ताकतवर कंपनी कोका कोला को हिंदुस्तान से भगा दिया था, और वो भी इतने अपमानजनक तरीके से भगाया था कोका कोला को, नोटिस दे दिया कोका कोला को। मुरारजी देसाई के मंत्रिमंडल में उद्योग मंत्री हुआ करते थे जॉर्ज फर्नांडिस, उन्होंने नोटिस दे दिया कि देखो 3 दिन में भारत छोड़ दो, नहीं तो आपकी सारी संपत्ति को हम राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर देंगे। और ये सिर्फ कोका कोला के लिए ही नहीं था, हॉलैंड की एक बहुत बड़ी कंपनी इस देश में है जिसका नाम है यूनिलीवर, जिसने नाम बदल के अभी धंधा शुरू किया हिंदुस्तान लीवर, इसको भी नोटिस था कि आप अगर अपनी शेयर इक्विटी कम नहीं करते तो आपका भी धंधा बंद कराएंगे। और अंत में वो नोटिस सभी विदेशी कंपनियों को था जिनको ये कहा गया था कि आप भारत में अपनी पूंजी को कम कर दीजिए, नहीं तो आप सबको हम भारत से भगाएंगे। ये एक बड़ा कारण था मुरारजी भाई की सरकार गिराने में। और दूसरा कारण था, मुरारजी भाई ने एक घोषणा की थी कि जैसे गुजरात को शराब मुक्त बना दिया वैसे पूरे देश को बना देंगे। और आप जानते हैं कि गुजरात आज तक शराब मुक्त प्रदेश है। यह अलग बात है कि चोरी छुपे वहां मिल जाती है, लेकिन कानूनन रूप से गुजरात में ना शराब बिक सकती है, ना कोई पी सकता है, ना कोई बना सकता है। ये मुरारजी देसाई का चमत्कार है, आज तक है। तो मुरारजी भाई ने कहा कि जैसा गुजरात में किया वो देश में कर देंगे। तो शराब वाले सब बौखलाए हुए थे उनसे। और मुरारजी भाई ने एक तीसरा काम और किया था कि उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी मैं गांधी जी का सपना पूरा करूंगा, गो हत्या पर बंदी लगेगी और सारे देश में लगेगी, और जो गौ हत्या करेंगे उनको सजा कम से कम फांसी की होगी। तो इस पर ये कसाई लोग सब भिदक गए। तो ये तीनों लॉबी, शराब बेचने वालों की लॉबी, विदेशी कंपनियों की, और ये कसाई लोगों की, ये तीनों सरकार के खिलाफ थे, और इन्होंने कोई षड्यंत्र रचा होगा जिसका दुष्परिणाम मुरारजी भाई की सरकार चली गई। एक बार ऐसा प्रयास शास्त्री जी ने भी किया था, लेकिन वहां भी दुर्भाग्य क्या हुआ कि शास्त्री जी ये प्रयास को शुरू करके ताशकंद गए समझौता करने पाकिस्तान से जनवरी 1966 में, और वहां से जीवित वापस नहीं लौटे। कानून बनाने के लिए जो पूर्ण कोशिश की थी वो वहीं की वहीं रुक गई। उसके बाद इस देश में आखिरी कोई प्रधानमंत्री था जिसने गोरक्षा का कानून बनाने का प्रयास किया, वो थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने सवेरे सवेरे लोकसभा में एक विधेयक लाया और शाम को उसे वापस ले लिया। क्यों?
तो मोरारजी देसाई, सॉरी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को समर्थन देने वाली दो बड़ी राजनीतिक पार्टियां, एक का नाम तेलुगु देशम और दूसरी तृणमूल कांग्रेस, दोनों ने लोकसभा में कहा कि अगर ये विधेयक आएगा और बहस होगी तो हम अभी सरकार से समर्थन वापस लेते हैं और सरकार गिराते हैं। ममता बनर्जी ने जब ये बयान दिया लोकसभा में तो बाहर आते ही उनको पत्रकारों ने पूछा कि आप ऐसा क्यों बोल रही हैं, गाय की हत्या बंद हो जाने दीजिए, बहुत समय से ये चल रहा है मामला। तो ममता बनर्जी ने जोर से कहा कि गाय का मांस खाना मेरा मौलिक अधिकार है, कोई कैसे रोक सकता है। किसी पत्रकार ने याद दिलाया कि आप तो ब्राह्मण हैं, पंडित हैं, बंगाली, और आप ऐसा बोलते हैं। उसने कहा सो व्हाट। और दूसरी तरफ ये जो तृणमूल कांग्रेस जैसी ही एक पार्टी है तेलुगु देशम, उसका जो मुख्य चंद्रबाबू नायडू, उसने हैदराबाद में बयान दिया कि अगर सरकार ने गोहत्या का विधेयक पारित कराया तो कल समर्थन हम वापस लेते। तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी अपनी सरकार बचाने के चक्कर में वो बिल जो सवेरे लाया वो शाम को बिना बहस के वापस ले लिया। सरकार बचाना उस समय उनके लिए मुख्य था, गोहत्या रुकवाना मुख्य नहीं बना। मैंने अटल जी को उस समय एक चिट्ठी लिखी थी कि काश आपने सरकार गिर जाने दी होती इस मुद्दे पर, तो गारंटी की बात थी कि अगली बार आप 2/3 मेजोरिटी से इस देश में चुनकर आते। क्योंकि गो हत्या का विषय भारत के 80 करोड़ लोगों का, 85 करोड़ लोगों का हृदय का मामला है, हृदय से जुड़ा हुआ विषय। लेकिन वो इतनी दूरदर्शिता नहीं दिखा पाए और वो सरकार भी गई और गो हत्या तो खैर आज तक हो ही रही है। तो ये आजादी के बाद की कहानी है, इतनी बार कोशिश हुई लेकिन संसद में आज तक कानून नहीं बना। कारण क्या है इसके पीछे, इस पर आजकल मैं थोड़ा खोज कर रहा हूं, क्यों संसद में कानून नहीं बनता है, क्यों कुछ सांसद खड़े होकर चिल्लाने लगते हैं जब भी ये विषय आता है बहस के लिए। हमारे भारत में राजनीतिक दलों में ऐसे कई नेता हैं, ये बात कहने के लिए आप मुझे माफ करेंगे, हमारे राजनीतिक दलों में ऐसे कई नेता हैं जो गाय का मांस बेचकर अपना धंधा चला रहे हैं। कई नेता हैं ऐसे। और इस हिंदुस्तान में 3,600 जो कत्ल खाने चल रहे हैं रजिस्टर्ड, उनमें से 50-60% कत्ल खाने राजनीतिक नेताओं के हैं जिनकी पूंजी से ये काम चल रहा है। तो जब भी गोहत्या का विषय आता है संसद में चिल्ला के खड़े हो जाते हैं, कहते हैं गोहत्या रुकनी नहीं चाहिए, और उसके विचित्र विचित्र तर्क देते हैं, कुतर्क करते हैं। जैसे कुतर्क करते हैं महाराष्ट्र के भी कई नेता हैं, वो बहुत कुतर्क करते हैं। उनमें से एक नेता तो वर्तमान में कृषि मंत्री हैं, उन्होंने एक बार कुतर्क किया कि गाय की हत्या अगर हमने रोक दी तो गाय की संख्या इतनी बढ़ जाएगी, उनको रखेंगे कहां। ये बयान श्री शरद पवार ने दिया और मुंबई में दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सौभाग्य की बात थी कि वो दिन मैं मुंबई में था जिस दिन उनका ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टेटमेंट आया। अगले दिन वो बयान की कॉपी लेके मैं चला गया मिलने उनसे। मैंने कहा कि आपने ये कहा है कि अगर गाय को हमने बचा लिया तो इनकी संख्या इतनी बढ़ जाएगी, इनको रखेंगे कहां, आप क्यों परेशान है, आपके घर में रखने नहीं आ रहे हम, इतना तो पक्का है। और अगर आपकी बुद्धि इतना ही काम करती है कि गाय को बचाने से उसकी संख्या बढ़ जाएगी तो यही तर्क मनुष्यों पर भी लागू हो जाता है, सीधे सीधे से लागू होता है कि मनुष्यों को क्यों बचाया जाए, इनकी संख्या बढ़ जाएगी तो इसका माने मनुष्यों की संख्या कम करने के लिए कत्ल करवाइए इनका। तो उन्होंने दूसरी बात कही, चारा कहां से लाएंगे, चारा कहां से लाएंगे। तो मैंने कहा भगवान ने इस देश में व्यवस्था ऐसी की है, आप क्यों परेशान है उसके लिए, भगवान की व्यवस्था में आप क्यों दखलंदाजी कर रहे हैं।
भगवान ने इस देश में जितनी भी फसल दी है, जितनी भी फसलों के बीज हमारे पास हैं, 1400 किस्म की फसलें भारत में होती हैं, पीक गेहूं, चावल, ज्वारी, तुअर, उड़द, मूंग आदि आदि। हर एक फसल के तीन हिस्से हैं, हर एक पीक के तीन हिस्से हैं, हर एक पौधे के तीन हिस्से हैं। ऊपर का एक हिस्सा है वो मनुष्यों के लिए है, पक्षियों के लिए है, बीच का हिस्सा है वो सब पशुओं के लिए है, और अंत का जो जड़ वाला हिस्सा है वो धरती माता के लिए है। प्रकृति की बनाई हुई व्यवस्था है, इसमें आप क्यों परेशान है कि चारा कहां से आएगा। हिंदुस्तान में 77 करोड़ किसान खेती करते हैं, और 77 करोड़ किसान में लगभग 7 करोड़ किसान ज्वारी पैदा करते हैं। ज्वारी का बहुत थोड़ा सा हिस्सा मनुष्य के काम आता है। ज्वारी का पूरा पेड़ अगर आप गिने तो उसका मुश्किल से 10% हिस्सा जो ऊपर का होता है वो मनुष्य के काम का है, बाकी का 70-75% हिस्सा वो गाय के काम का है, भैंस के काम का है, पशु के काम का है। तो चारे की कमी कहां से आई। गेहूं की फसल देख लो, गेहूं की फसल का मुश्किल से 10% हिस्सा मनुष्य के काम का है, बाकी 70-80% गाय के भैंस के काम का है। तो चारे की समस्या कहां से आई। गेहूं पैदा हो रहा है, ज्वारी पैदा हो रही। चावल की फसल का बहुत छोटा सा हिस्सा मनुष्य के काम का है, बाकी जानवरों के काम का है। तो चारे की कहां कमी है इस देश में। आप क्यों परेशान है। फिर उनका तीसरा कुतर्क, गाय बूढ़ी हो जाती है तो क्यों पालना। तो मैंने कहा आई भी बूढ़ी हो जाती है, उसको क्यों पालना। कहते आई अलग है, गाय अलग है। मैंने कहा मेरे लिए तो आई और गाय दोनों एक ही जैसी, क्योंकि बचपन से मैंने यही सुना है गाय हमारी माता है, देश धर्म का नाता है। तो मेरे लिए तो आई और गाय दोनों शरीक ही है। तो गाय बूढ़ी हो गई इसलिए कत्ल होनी चाहिए, तो आई भी बूढ़ी हो गई इसलिए कत्ल होनी चाहिए। फिर आखिरी कुतर्क कि दूध नहीं देती है, फोकट में क्यों खिलाने का उसको। तो मैंने कहा दूध तो आई भी नहीं देती है थोड़े दिन के बाद। हमारी आई हमको जास्ती से जास्ती 1 साल दूध पिलाती है, और ये गौ माता तो जीवन पर्यंत दूध पिलाती है, इसका स्थान तो आई से भी ऊंचा है। तो उसके बाद उन्होंने कहा आपसे बात करना बेकार है। मैंने कहा मुझे भी आपसे बात करना बेकार लगता है। जो आदमी को इतना नहीं समझता कि गाय को भारत में घास चारे की कमी नहीं है, और गाय बूढ़ी हो गई तो बेच देनी चाहिए, कत्ल हो जाना चाहिए, ये तो बहुत खतरनाक मानसिकता है। इससे अच्छे तो अंग्रेज थे, क्योंकि वो खुलकर कहते थे कि हम तो गाय काटते हैं हमारे भोजन के लिए। ये तो काले अंग्रेज उनसे ज्यादा खतरनाक है, जो भारत और भारतीयता का लबादा ओढ़े हुए हैं और दिमाग में पूरी अंग्रेजियत भरी हुई है। और मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूं कि ये जो कुतर्क हैं, ये सिर्फ शरद पवार का मैंने नाम इसलिए ले लिया कि वो प्रतीक व्यक्ति है, वरना ये कुतर्क हिंदुस्तान के बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों के कुतर्क बन चुके हैं। और खासकर ऐसे पढ़े लिखे लोग जिनको थोड़ी अंग्रेजियत की शिक्षा मिली है, कॉन्वेंट में पढ़े हैं, इंजीनियर डॉक्टर बने हैं, उनके भी ये कुतर्क बन चुके हैं। शरद पवार तो प्रतीक मात्र, वहां कोई और भी हो सकता है जो इसी तरह की बात करे। ये कुतर्क आए कहां से, किसने डाले हैं हमारे देश के पढ़े लिखे लोगों के दिमाग में, कौन जिम्मेदार है इनके लिए, ये भी मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। तो पता चला कि ये कुतर्क भारत से नहीं, पश्चिम से आ रहे हैं, वेस्ट से आ रहे हैं। उनके फ्रेज हैं, उनके इडियम्स हैं जिनको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और इन्हीं कुतर्कों के आधार पर भारत में सरकार चलाने वाले लोग और सरकार चलाने के लिए मदद करने वाले अधिकारी दोनों मिलकर गाय की हत्या करवाने में लगे हुए हैं। और मैं आपको एक बहुत कड़ी बात कह रहा हूं, वो ये कि भारत का एक मंत्रालय है जिसका नाम है कृषि मंत्रालय। कृषि मंत्रालय के नीचे काम करने वाला एक मंत्रालय है, प,
पशुधन मंत्रालय, माफ करिए ये पशुधन मंत्रालय नहीं है, पशु कत्ल मंत्रालय है, क्योंकि वहां से जितने भी नोटिस जारी होते हैं, जितने भी नियम कायदे बनते हैं, कानून बनते हैं, वो सब पशुओं के कत्ल के समर्थन में और पशु हत्या रोकने के विरोध में। ताजा उदाहरण, महाराष्ट्र में 6 लाख मुर्गियों को मार डाला। क्या तर्क है? एवियन फ्लू होगा। हुआ है किसी को? लगभग 15 दिन हो गए हैं, मैं पूरे भारत के कई हॉस्पिटल्स के साथ लगातार संपर्क में हूं कि आपके पास कोई एवियन फ्लू का केस आया हो तो बताइए, कहीं नहीं आया। फिर 6 लाख मुर्गियों को मार डाला किस आधार पर? कि उनसे वायरस फैल सकता है। फैला तो नहीं है, फैल सकता है, इसकी गारंटी क्या है? और भारत एक ऐसा अद्भुत देश है दुनिया में जहां कोई भी वायरस जल्दी से फैल नहीं सकता, क्योंकि सूर्य का प्रकाश इतना तीखा है, इतना तेज है कि सैकड़ों किस्म के वायरस तो ऐसे ही मर जाते हैं। यूरोप में यह समस्या है कि वहां बहुत तेजी से वायरस फैलते हैं क्योंकि साल में 9 महीने सूर्य का प्रकाश नहीं होता है। यूरोप के सभी देशों में आप जानते हैं एक साल में 9 महीने सूर्य का दर्शन नहीं होता, और साल में 6 महीने तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। तो इतने ठंड वाले इलाके में अगर कोई फ्लू फैले, वायरस फैले, बैक्टीरिया बने और वो मल्टीप्लाई करे तो समझ में आता है, क्योंकि उसको कंट्रोल करने की कोई व्यवस्था नहीं है। भारत जैसा तो देश दुनिया में अद्भुत है जहां साल के 12 महीने सूर्य प्रकाश मिलता है, हर दिन सूर्य प्रकाश मिलता है, और आजकल का समय तो 38 डिग्री सेंटीग्रेड का है जिसमें कोई वायरस पनपना ही बहुत मुश्किल है। और इसी कुतर्क के आधार पर 6 लाख मुर्गियों को मार डाला बेदर्दी के साथ। बिना सोचे समझे कि इन मुर्गियों का हमारे जीवन को चलाने में कोई उपयोग होता है, यह उपयोग नहीं कि वो अंडा देती है और हम अंडा खाते हैं, उससे ज्यादा बड़ा उपयोग है जो हमें आज तक पता नहीं चला है। इस प्रकृति के चक्र को नियमित रखने में मुर्गों की बहुत बड़ी भूमिका है। हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले जो छोटे जीव हैं, जो शरीर के शत्रु हैं, उनको खाने का काम ये मुर्गी और मुर्गे करते रहते हैं, चुन चुन के उठा लेते हैं जमीन पैसे ताकि मनुष्य सुरक्षित रहे। तो हम मनुष्यों को सुरक्षा देने के काम में जो मुर्गी और मुर्गे लगे हैं, उन मुर्गे और मुर्गियों को मनुष्य को बचाने के कुतर्क के आधार पर कत्ल करवा दिया सरकार। ऐसे अगर हमारी सरकार को चलाने वाले नेता हैं और ऐसे हमारे देश को चलाने वाले अधिकारी हैं तो भगवान इनको जल्दी से उठाए। और इनको उसी गति में पहुंचाए जिस गति में 6 लाख मुर्गियां अभी पहुंचाई गई हैं। जल्दी से इनको उठाए क्योंकि इनका बोझ अभी सहा नहीं जाता। ऐसे ऐसे कुतर्क जड़ते हैं और मूर्खता की परीक्षा देते हैं, पराकाष्ठा। कभी भी ऐसा कोई एक विचित्र कुतर्क आ जाएगा, कुत्तों को मारेंगे। हां, कुत्तों को मारेंगे। और अभियान चला रखा है, कई म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस ने बाकायदा अभियान चला रखा है, स्ट्रीट डॉग मारो उनको, जिंदा मत रहने दो, खत्म कर दो। और इन मूर्खों को मालूम नहीं है कि कुत्ते आदमी के लिए कितने जरूरी हैं। कुत्तों की जरूरत आदमी को कितनी है ये जॉर्ज बुश से पूछ लो, बता देगा आपको। आपको मालूम है जॉर्ज बुश को अपनी सुरक्षा का सबसे ज्यादा भरोसा कुत्तों पे ही है। और आपको ये मालूम है कि जॉर्ज बुश दुनिया के किसी भी देश के प्रवास पे जाता है तो उसकी सुरक्षा के 56 कुत्ते उसके साथ जरूर जाते हैं।
और उन सभी कुत्तों का जॉर्ज बुश ने बाकायदा ओहदा तय किया हुआ है, पोस्ट है उनकी। अभी हमारे यहां संसद में अभी थोड़े दिन पहले बवाल हुआ ना, गांधी जी की समाधि पे जॉर्ज बुश गया, उसके पहले उसका कुत्ता गया और उस कुत्ते ने पहले गांधी जी की समाधि का चक्कर लगाया, सूंघ सूंघ कर देखा। वो कुत्ता साधारण नहीं है, जॉर्ज बुश का सार्जेंट है। हाँ, और जॉर्ज बुश ने उसके रुकने के लिए स्पेशल होटल की व्यवस्था की थी और पूरा एक होटल जॉर्ज बुश के 56 कुत्तों के लिए बुक था, दिल्ली का 56 कुत्तों के लिए पूरा होटल बुक था। और उस होटल के मालिक को कह दिया गया था कि ये आपको करना है, तो मालिक कह रहा था कि अब तक तो मेरे कमरों में आदमी रुके हैं, अब ये कुत्ते रहेंगे। तो उन्होंने कहा हां, ये खास कुत्ते हैं, इनकी जरूरत अमेरिका के राष्ट्रपति को है और उनकी सुरक्षा के काम में ये लगे हुए हैं। तो कुत्ते कितने महत्वपूर्ण होते हैं ये जॉर्ज बुश से पूछ लो। और हमारे देश के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन उनको मारने में लगे हुए। और इतना ही नहीं, उससे भी ज्यादा खतरनाक काम कि अगर उनको मार नहीं सको तो उनका नसबंदी करा दो ताकि उनकी आगे जनरेशन ना बढ़ सके। ऐसे ऐसे विचित्र बुद्धि के लोग इस देश को चला रहे हैं। कहते हैं जी कुत्ते ने काट लिया, तो मैं उनसे कहता हूं कि आप बिल्कुल घबराओ मत, कुत्ते के काटने से तो जरूर बच जाओगे, उससे ज्यादा खतरनाक तो आदमी है, उसने काट लिया तो बचने के कोई चांसेस नहीं। कुत्ता तो हमेशा वफादारी निभाता है, आदमी का कोई भरोसा नहीं। और आपको अब मैं एक बहुत सीरियस बात बताने जा रहा हूं कि कुत्तों की क्या जरूरत है इस देश को, हमको। थोड़े दिन पहले सुनामी आया था, आपने सुना? और सुनामी आया तो मैं और मेरे कुछ दोस्त सहयोगी मिलकर सेवा कार्य करने के लिए अंडमान निकोबार गए थे। लगभग एक महीने हमने वहां सेवा कार्य किया था। क्या सेवा कार्य किया था? वहां के लोग जो भयंकर सुनामी से पीड़ित थे, उनको स्ट्रेस बहुत था, मेंटल स्ट्रेस, और अक्सर ऐसे बड़े दुर्घटनाओं में स्ट्रेस होता है। और उसकी दवा सबसे अच्छी होम्योपैथी में है, मैं थोड़ा होम्योपैथी जानता हूं। तो मेरे होम्योपैथी डॉक्टर दोस्तों को लेके एक महीने हमने वहां सेवा कार्य किया था। लगभग 3,500 मरीजों को होम्योपैथी की दवाएं देकर मेंटल स्ट्रेस से बाहर लाया था। तो उस समय मैं जितने भी गांव में गया अंडमान निकोबार के, हर गांव में मैं एक प्रश्न पूछता था लोगों से, कितने लोग मरे? तो किसी गांव में 100 लोग, किसी में 150, किसी में 50, किसी में 70, किसी में 75। एक गांव में तो पता चला 1,500 लोग मर गए। अच्छा, ये प्रश्न पूरा होने के बाद दूसरा प्रश्न मैं जानबूझ के पूछता था कि आपके गांव में कितने जानवर मरे? तो पता चला एक भी नहीं। कुत्ता मरा? नहीं मरा। गाय मरी? नहीं मरा। भैंस मरी? नहीं मरा। बंदर मरा? नहीं। कौन जानवर मरा? एक भी नहीं। अच्छा, पक्षी कितने मरे? एक भी नहीं। और मनुष्य कितने मर गए? 36,000। कैसे मर गए? तो इसका उत्तर मुझे गांव के एक सरपंच ने दिया। आपको मालूम नहीं, मनुष्य मूर्ख होता है। तो मैंने कहा इसका कहने का मतलब क्या है आपका? उन्होंने कहा मनुष्य महामूर्ख होता है, जानवरों को मनुष्य से ज्यादा अकल होती है। मैंने पूछा बता दीजिए, मुझे सिद्ध कर दीजिए। उन्होंने कहा मैं बताता हूं। वो सरपंच मुझे मिला अंडमान निकोबार के एक गांव में, उस गांव का नाम है बंबू फ्लैट। अंडमान निकोबार की जो राजधानी है वहां से 60 मील नॉटिकल मील समुद्र में अंदर एक टापू है, टापू पर ये गांव। तो सरपंच ने कहा कि देखो मैं आपको बताता हूं, जब सुनामी आया उससे 2 दिन पहले मेरे कुत्ते को मालूम था कि सुनामी आ रहा है। जब सुनामी आया उससे 2 दिन पहले मेरी गाय को मालूम था सुनामी आ रहा है। जब सुनामी आया तो मेरी भैंस को मालूम था कि सुनामी आ रहा है।
जब सुनामी आया तो मेरे घर के चूहों को, ऊंदर को मालूम था कि सुनामी आ रहा है। जब सुनामी आया तो बिल्ली को मालूम था कि सुनामी आ रहा है। जब सुनामी आया तो कीड़ी, चींटी, आंट्स को मालूम था कि सुनामी आ रहा है। लेकिन हम मूर्खों में से किसी को नहीं मालूम था कि सुनामी आ रहा है। कहा आपको मालूम है भारत सरकार ने अंतरिक्ष में कितने सैटेलाइट छोड़े हैं? उनकी संख्या धीरे धीरे अभी 56 हो गई है। हजारों करोड़ रुपए इन सैटेलाइट पे हर साल खर्च होता है, और उसमें से कुछ सैटेलाइट सिर्फ इस बात के लिए हैं कि वो समुद्र में होने वाली हर गतिविधि को ध्यान में रखें। तो सारे सैटेलाइट फेल हो गए, हजारों करोड़ रुपए वाले, बता नहीं सके कि सुनामी आ रहा है। और हमारे घर के आसपास रहने वाले ये जानवर, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, कीड़ी, चींटी, गाय, भैंस, इन सबको मालूम था 24 घंटे पहले, 48 घंटे पहले सुनामी आ रहा। तो मैंने पूछा इनको कैसे मालूम था, तो सरपंच ने कहा कि देखिए बात यह है कि सुनामी जिस दिन आया उससे 2 दिन पहले मेरा कुत्ता भाग गया, गाय चली गई, भैंस चली गई, मैंने कस के पकड़ के गाय को रस्सी बांधी थी, रस्सी को तोड़ के चली गई, मेरे घर में एक बंदर था वो भी चला गया, 2 दिन मुझे घर में चींटियां नहीं दिखाई दी जो रोज निकलती, ऊंदर नहीं आया वो भी कहीं चले गए, बिल्ली नहीं आई वो भी कहीं चले गए। तो मैं समझ गया कि जरूर कुछ गड़बड़ होने वाली है। तो वो सरपंच ने कहा कि मैं भी चला गया घर छोड़कर, तो मैं बच गया और मेरे घर में से कोई दूसरा नहीं बचा। तो सरपंच ने मुझे एक बात कही कि आप कहीं भी जाना, लोगों को बताना कि सुनामी में एक भी जानवर नहीं मरा, मनुष्य 36,000 मरे। इसका माने मनुष्य की अकल कम है, जानवरों की उससे ज्यादा है। इन जानवरों को ईश्वर का दिया हुआ कोई वरदान है या सिक्स्थ सेंस है जिससे ये पता कर लेते हैं। और जानवरों में सबसे पहले पता जिसको होता है वो ये कुत्ता ही होता है। और हमारे मूर्ख महानगर पालिका के अधिकारी इन्हीं कुत्तों को मारने में लगे हुए हैं गांव का। कल्पना करो सब कुत्ते खत्म हो गए तो दोबारा सुनामी आएगा तो बताने वाला कोई नहीं होगा। हम इन जानवरों को कमतर समझते हैं। तब मेरी उसकी आखिरी जो संवाद हुई सरपंच की, तो वो बहुत ही मजेदार थे। सरपंच ने कहा कि आप सब शहर वाले गाली देते हैं कि तू कुत्ता है, आप शहर वाले गाली देते हैं तू गधा है, आप शहर वाले गाली देते हैं कि तेरी बुद्धि भैंस की है, आगे से नहीं कहना ये, आगे से कहना तू आदमी है, तुझको अकल नहीं है, समझता नहीं है। और जितना ज्ञान उस सरपंच ने मुझे दिया मैं अभिभूत हो गया उससे। मैंने चलते चलते सरपंच को पूछा, भाई तुमको ये ज्ञान कहां से मिला? तो उसने कहा कि ये ज्ञान हर एक व्यक्ति को मिल सकता है अगर आंखें खुली रखे, कान खुले रखे। तो ये परिस्थिति जो पूरी हमारी है, पर्यावरण, इसमें ये ज्ञान भरा पड़ा है। मैंने पूछा थोड़ा दे दो मुझे भी, तो उसने कहा लिख लो और कभी भी टेस्ट कर लेना, फेल नहीं होगा, ये सैटेलाइट फेल हो जाएगा, ये फेल नहीं होगा। उसने मुझे कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो आज तक मैं परीक्षण कर रहा हूं और सही सिद्ध हो रहे। वो कहता है कि अगर चींटी, कीड़ी ज्यादा संख्या में बाहर निकले और खाना इकट्ठा करके ले जाने की कोशिश करे तो समझना बहुत ज्यादा बारिश होने वाली है, बाढ़ आने वाली है, फ्लड आने वाली है। और ये जो मुंबई में अभी थोड़े दिन पहले फ्लड आया ना, फ्लड आने से 2-3 दिन पहले मुंबई के बहुत घरों से ये जानकारी मैंने कंफर्म की, और उन्होंने कहा बात आपकी बिल्कुल सही है, 2-3 दिन पहले ढेर सारी चींटियां निकली थी और सब खाना ले ले जाके इकट्ठा कर रही थी। चींटी का स्वभाव है कि वो कभी भी इकट्ठा नहीं करती कुछ भी, लेकिन इकट्ठा वो जब करती है तो समझना कोई बहुत बड़ी आपत्ति आने वाली है। मुंबई की फ्लड के बारे में सैटेलाइट फेल था, मौसम विभाग फेल था, सब फेल थे, लेकिन चींटी ने बराबर अपना हिसाब रखा। वो सरपंच ने कहा कि देखो कोयल,
कोयल अगर कभी घोंसला बनाए अपना तो समझना भयंकर बाढ़ आने वाली है, क्योंकि कोयल का स्वभाव है अपना घर नहीं बनाने का, वो कौए के घर में अपना अंडा देती है, लेकिन अपना घर बनाए तो समझ लो कोई बहुत बड़ी आफत आने वाली है। और उसने ऐसी मुझे बीसियों बातें बताई, बकरी के बारे में, भेड़ के बारे में, गाय के बारे में, कुत्तों के बारे में, और वो सब बातें पिछले कई महीने से मैं देख रहा हूं जगह जगह एक एक सच निकल रही है। इसका माने इन जानवरों को हमसे ज्यादा सेंस है और इनकी प्रकृति की व्यवस्था को चलाने में बहुत बड़ा योगदान है। और हम हिंदुस्तानियों में सबसे पहले अगर किसी एक व्यक्ति को यह बात समझ में आई थी तो वो थे भगवान महावीर। उनको यह समझ में आ गया था, क्यों? 14 वर्ष की तपस्या उनकी जंगल में हुई थी और जंगल में इन्हीं जानवरों के साथ रहे थे, तो देख लिया उनका स्वभाव, समझ लिया उनका ज्ञान, कितनी ऊंची है उनके ज्ञान को परखने की शक्ति, ये सब समझ लिया, तो अहिंसा का दर्शन दे दिया कि देखो भाई किसी जीव को मत मारो, क्योंकि तुम्हारे जिंदा रहने के लिए ये जीव का जिंदा रहना जरूरी है। तो अहिंसा का दर्शन उन्होंने दिया इसलिए कि जो जीव जगत है इसको चलाने में जीवों की जो भूमिका है वो उनको समझ में आ गई 14 साल में, वो आज तक हमको समझ में नहीं आई। और उनके समझ में आई तो उन्होंने अहिंसा का सिद्धांत दिया और जियो और जीने दो ये बात को पूरी ताकत से कहा। अहिंसा का सिद्धांत महावीर स्वामी ने इसलिए नहीं दिया कि हम कमजोर हैं या दूसरे ताकतवर हैं या दूसरे कमजोर हैं हम ताकतवर हैं, इसका कमजोर और ताकतवर से कुछ लेना देना नहीं है। इसका संबंध है पृथ्वी जगत को चलाने में, ब्रह्मांड को चलाने में हर छोटे जीव की बड़ी भूमिका है, इसलिए उसको जिंदा रखो ताकि तुम जिंदा रहो। और ये बात महावीर स्वामी के बाद अगर किसी को समझ में आई तो वो गौतम बुद्ध थे। और इन दोनों के चले जाने के बाद जिसको समझ में आई वो महात्मा गांधी थे। अब कोई दिखता नहीं है जिसको ये समझ में आता हो। तो परिणाम क्या हो रहा है? बड़े पैमाने पर जानवरों का कत्ल हो रहा है, गाय का, भैंस का, बकरी का, बकरे का, कुत्तों का। गाय का आंकड़ा मैंने बताया 2.5 करोड़ तो प्रतिवर्ष गाय का कत्ल होता है, भैंस का 1.25 करोड़ प्रतिवर्ष कत्ल होता है, डुकर सुअरों का 2.5 से 3 करोड़ का कत्ल प्रतिवर्ष का है, बकरे बकरियां छोटे जानवरों की संख्या करोड़ों में है, गिनी नहीं जा सकती है। तो भारत एक ऐसा देश बन गया है जहां कत्ल ही कत्ल होता है। और दुख मुझे इसी बात का है कि इसी भारत देश में महावीर स्वामी हुए, इसी भारत देश में महात्मा बुद्ध हुए, इसी भारत में गांधी हुए, इसी भारत में राम हुए, कृष्ण हुए, जिंदगी पर्यंत जिन्होंने अहिंसा हमको बताई और सिखाई, उसी भारत में इस समय सबसे ज्यादा हिंसा हो रही है। और जानवरों के प्रति तो कितनी क्रूरता हो रही है आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। कभी अगर आपको अपनी आंखों से देखना हो कि कितनी क्रूरता होती है जानवरों के खिलाफ, तो आप कभी चले जाइए मुंबई में, देवनार नाम का एक गांव है, वहां पर एक कत्ल खाना चलता है। कैसे कत्ल किया जाता है आप देख लीजिए अपनी आंखों से। आंध्र प्रदेश में मेदक नाम का एक जिला है, वहां पर एक और कत्ल खाना चलता है अल कबीर, उसको देख आइए पता चलेगा। औरंगाबाद के आसपास कई कत्ल खाने चलते हैं, इनको देख लीजिए। जब मैं शहर में घुसता हूं तो इतनी तेज बदबू आती है, फिर पूछता हूं क्या है तो पता चला जानवरों की हड्डियों को पीसने का कारखाना, औरंगाबाद के माथे पर कलंक जैसा। संपूर्ण भारत देश में जगह जगह जो कत्ल खाने चलते हैं, मैंने तो कई कत्ल खाने देखे हैं और उन पर वीडियो फिल्म बनाई है 20-25 मिनट की, कितनी क्रूरता से काटा जाता है जानवरों को। गाय को काटने से पहले क्या करते हैं, 5-6 दिन भूखा रखते हैं और जहां से उसको भर के लाते हैं ट्रक में, वो ट्रक में कैपेसिटी होती है 3 या 4 गाय की, तो उसमें 200 गाय भर के लाते हैं। और ये ट्रक
हर एक शहर और गांव से गुजरते चले जाते हैं पुलिस वालों की कृपा से, फिर पहुंच जाते हैं कत्ल खाने में। फिर क्या होता है, 5-6 दिन उनको और रखा जाता है, भूखा खाना नहीं खिलाया जाता तो अधमरी हो जाती है गाय। फिर क्या किया जाता है, गाय को पैरों से उल्टा बांध कर लटका देते हैं, मुंह बांध देते हैं। फिर उसके बाद 100 डिग्री टेम्परेचर पर पानी की वाष्प गाय के शरीर पर फेंकी जाती है और लगातार 1.5 घंटे। परिणाम क्या होता है कि उसका शरीर फूलना शुरू करता है और फूलते फूलते जब वो मैक्सिमम कैपेसिटी में आ जाता है तब जाके उसकी गर्दन काटी जाती है। और गर्दन काट के थोड़ी देर उसको लटका के रखा जाता है ताकि पूरा खून निकल आए। फिर उसके बाद जब गर्दन कट के गिर जाती है, अंतिम खून की बूंद निकल जाती है, फिर चाकू और छुरी से, तेज धार की चाकू छुरी से उसकी खाल उतारी जाती है और वो खाल एक्सपोर्ट की जाती है। फिर मांस निकाला जाता है, उसको धो पैक करके डिब्बों में बंद किया जाता है और फिर वो एक्सपोर्ट हो जाता है। फिर जो खून निकलता है उस खून को भारत की ही कुछ कंपनियां खरीद लेती हैं, उससे वो हेल्थ टॉनिक बनाती है। भारत के बाजार में बिकने वाला एक हेल्थ टॉनिक है जिसका नाम है डेक्सो रेंज, वो इसी से बनता है। और डॉक्टर लोग उस हेल्थ टॉनिक को प्रिस्क्राइब करते हैं हर उस मां को जो गर्भवती है, क्या बोलकर कि आपके शरीर में खून की कमी है तो इसको ये पूर्ति करेगा। मैं कई डॉक्टरों से मिला और उनको पूछा कि आप डेक्सोरेंज का ही प्रेस्क्रिप्शन क्यों करते हैं, खून की कमी दूर करने का तो सबसे बड़ा उपाय है मूंगफली का दाना, शिंगदाना गुड़ के साथ खाओ खून की कमी दूर होती है, चना गुड़ के साथ खाओ खून की कमी दूर होती है, पालक और मेथी की भाजी खाओ खून की कमी दूर होती है, गाजर का रस पियो खून की कमी दूर होती है, आप ये डेक्सोरेंज ही क्यों लिखते हो खून की कमी दूर करने। तो एक डॉक्टर जो मेरा दोस्त है धीमे से कहा, यार इसमें कमीशन मिलता है। अब किसी मरीज को मैं कहूं कि गाजर का रस पियो तो क्या कमीशन मिलेगा, किसी को मैं कहूं कि शिंगदाना गुड़ के साथ खाओ तो क्या कमीशन मिलेगा, किसी को मैं कहूं कि ये खाओ चना और गुड़ खाओ तो क्या कमीशन मिलने वाला है। डेक्सोरेंज का मैं प्रिस्क्रिप्शन करता हूं क्योंकि कंपनी कमीशन देती है। तो उसी डॉक्टर को मैंने कहा कि तुम तुम्हारी पत्नी के गर्भवती होने पर यह दवा लिख सकते हो उसको, उसने कहा ना 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 कभी नहीं, तो दूसरों को कैसे लिख देते हो, तुम कैसे डॉक्टर हो, डॉक्टर हो कि कसाई हो, यमराज के भाई हो, क्या हो तुम, जो दवा तुम तुम्हारी पत्नी को नहीं लिख सकते हो वो दूसरे मरीजों को कैसे लिखते हो, तुम तुम्हारे हाथ नहीं कांपते। सिर्फ कमीशन का लालच इतना बड़ा हो गया। और अभी थोड़े दिन पहले मैंने मेरी आंखों से एक विचित्र दृश्य देखा। कलकत्ता में मैं एक बार गया था थोड़े दिन पहले, तो वहां एक कसाई खाना है मोरी ग्राम, वहां 11,000 गाय रोज कटती है मोरी ग्राम। और इस कत्ल खाने की विशेषता यह है कि यह 1757 से चल रहा है। 1757 में इस कत्ल खाने को शुरू किया था रॉबर्ट क्लाइव ने, जब उसकी सरकार बन गई थी कलकत्ता में। आपको मालूम है प्लासी का युद्ध हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार बनी, रॉबर्ट क्लाइव प्रधानमंत्री बन गया कलकत्ता का, और ये सब घटना 1757 की है। तो प्रधानमंत्री बनते ही उसने कत्ल खाना जो खोला वो यही था मोरी ग्राम। और रॉबर्ट क्लाइव के जमाने में उसमें 300 गाय रोज कटती थी, आज उसमें 11,000 गाय रोज कटती है। मांस ऐसे ही एक्सपोर्ट होता है, तरीका वही है काटने का जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया, लेकिन जो खून निकलता है उसको कुछ लोग खरीद के ले जाते हैं। मैंने देखा कि वो सब चाय के व्यापारी, तो पूछा भैया तुम क्या कर रहे हो, कहते यार क्या बताएं इसकी जरूरत पड़ती है, क्या जरूरत पड़ती है, तो कहते हैं कि जो चाय है ना असली चाय वो तो पत्ते वाली है, वो तो हमको देखने को भी नहीं मिलती है, वो टी बैग्स में पैक होके सब एक्सपोर्ट हो जाती है। अब पत्ते वाली चाय को चुनते समय जो टी डस्ट रह जाती है पीछे से टूटी हुई छोटी छोटी डंडियां, वो भारत में बिकती है। अब उसकी समस्या ये है कि उसको पानी में डालो तो पूरा कलर नहीं आता,
तो उस टी डस्ट पर जानवरों के कत्ल खानों से निकाले गए खून की कोटिंग करके सुखा के भारत में बेचा जाता है। और भारतवासी जिस दिन उपवास करते हैं उस दिन चाय जरूर पीते हैं। और शाकाहारी लोगों का एक ही पेय बचा है, वो अब चाय है। शाकाहारी संपूर्ण 100% वेजिटेरियन वो ही चाय पीते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे विचित्र हैं जो कहते हैं कि राजीव भाई ये चाय न पिए तो संडास नहीं होती, टॉयलेट नहीं होता, स्टूल पास नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं ये चाय ना पिए तो सिर में दर्द होता है, काम नहीं कर सकते। कुछ लोग कहते हैं ये चाय ना पिए तो फ्रेशनेस नहीं आती। कुछ लोग कहते हैं ये चाय ना पिए तो काम नहीं कर। क्या विचित्र विचित्र कुतर्क गढ़ते हैं। और मुंबई में एक बाजार है मूलजी जेठा बाजार, वहां हर मिनट पे चाय पीते हैं, हर दूसरे मिनट पे चाय पीते हैं। दिन में 20 25 30 40 प्याले पी जाए कोई मुश्किल नहीं। ऐसा सब विचित्र खेल इस देश में चलता है। मुझे दुख इस बात का है कि जो हिंसा कर रहे हैं, जानवरों का कत्ल कर रहे हैं, वो तो पाप के भागीदार हैं ही। जो अपने को अहिंसक मानते हैं और इस पद्धति से चाय पी रहे हैं या डेक्सोरेंज खरीद कर अपनी पत्नी को पिला रहे हैं या बच्चों को दे रहे हैं, वो भी इस हिंसा के भागीदार हैं। और भारतीय शास्त्रों में लिखा गया है कि हिंसा करने का जितना पाप प्रत्यक्ष हिंसक को होता है, माने जो हिंसा कर रहा है उसको जितना पाप होता है, हिंसा की मदद करने वाले को भी उतना ही पाप होता है। ये सब खेल चल रहा है इस देश में। मुझे दुख एक ही है कि अहिंसा प्रधान भारत देश में भयंकर हिंसा हो रही है और कुतर्क उसके बड़े विचित्र विचित्र हैं। जानवरों की संख्या बढ़ जाएगी तो कहाँ रखेंगे, उनके भोजन की क्या व्यवस्था करेंगे, इसलिए काटते रहो उनका मांस बेचते रहो। ये जब बहुत ज्यादा परेशानी बन गई मेरे जैसे लोगों के लिए, भारत में जानवरों का कत्ल, गाय का कत्ल, गौ वंश का कत्ल, तो हम सब लोग बहुत साल से एक प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह ये रुकना चाहिए। तो उसी संदर्भ में एक बार क्या हुआ, सन 1998 में मैं और मेरे जैसे कुछ समविचारी लोगों ने एक मुकदमा किया सुप्रीम कोर्ट में, पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन। एक संस्था है भारत में, उसका नाम है अखिल भारत कृषि गोसेवा संघ। एक दूसरी संस्था है, उसका नाम है अहिंसा आर्मी ट्रस्ट। दोनों ने मिलकर एक मुकदमा कर दिया। बाद में पता चला गुजरात सरकार भी उस मुकदमे में शामिल हो गई। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा आया और हमारा मुकदमा यह था कि गाय और गोवंश की हत्या नहीं होनी चाहिए। सामने जो कसाई लोग थे उनका तर्क था क्यों नहीं होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में हमने अपील किया कि इसमें एक कोई बड़ी बेंच बनाई जाए, एक दो जज का मामला नहीं है क्योंकि ये बहुत सीरियस है। 3-4 साल तो सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया, फिर अंत में जाके मान लिया कि अच्छा ठीक है, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाई जाए। भारत देश के थोड़े दिन पहले तक चीफ जस्टिस रहे श्री आरसी लाहोटी ने अपनी अध्यक्षता में 7 जजों की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाई और 2004 में मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई जो 2005 सितंबर में पूरी हो गई। सुनवाई के समय यही कुतर्क हमारे सामने आए, ठीक यही कुतर्क जो कभी शरद पवार के मुंह से मैंने सुने, जो कभी भारत के पढ़े लिखे लोगों के मुंह से मैंने सुने और जो कभी भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी के द्वारा कहे गए, सारे के सारे कुतर्क एक ही जैसे वही कसाईयों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में कहा गया। सबसे पहला कुतर्क कि भारत की गाय को जब बूढ़ा हो जाता है, माने बूढ़ी हो जाती है, तो बचाने में कोई लाभ नहीं है, उसको कत्ल करके बेचना ही लाभकारी है और हम भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बना रहे हैं क्योंकि गाय का मांस एक्सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरा कुतर्क, गाय के चारे की बहुत कमी है पूरे भारत में, तो भूखी मरे उससे अच्छा यह है कि हम उसका कत्ल करें तो कम से कम मांस तो बिके, भूखी मरे तो वो किसी काम की नहीं। तीसरा कुतर्क कि भारत में लोगों को रहने के लिए जमीन नहीं है, गाय को कहां रखें। चौथा कुतर्क, इससे विदेशी मुद्रा मिलती है। और सबसे खतरनाक कुतर्क कसाईयों की तरफ से जो दिया गया वो ये
कि हमारे धर्म में लिखा हुआ है कि हम गाय की हत्या करें. दिस इज अवर रिलीजियस राइट. कसाई लोग कौन है आप जानते हैं कि कुरैशी समाज है इस देश में जो सबसे ज्यादा जानवरों का कत्ल करता है. उनकी तरफ से ये कुतर्क सुप्रीम कोर्ट में आए. हमने उनके एक एक कुतर्क का तर्क पूर्वक जवाब दिया, बिना गुस्सा हुए, बिना अपना पेशेंस खोए हुए. उनका पहला कुतर्क आया कि गाय का मांस बेचते हैं तो आमदनी होती है देश को. तो हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने पूरे फैक्ट्स एंड फिगर रखे. वो ये कि एक गाय को जब काट देते हैं, कत्ल कर देते हैं, तो उसके शरीर से कितना मांस निकलता है, कितना खून निकलता है, कितनी हड्डियां निकलती हैं. एक गाय का साधारण जो वजन होता है वो 3 से 3.5 क्विंटल होता है स्वस्थ गाय का. इसको हम काटें तो उसके शरीर में से मात्र 70 किलो मांस निकलता है. 1 किलो गाय का मांस जो भारत से एक्सपोर्ट होता है उसकी कीमत है लगभग 50 रुपए. तो 70 किलो मांस निकला, 50 रुपए किलो से जोड़ो, 3500 रुपए का. खून जो निकलता है वो 25 लीटर होता है. खून के भाव से वो लगभग 1.5-2 हजार रुपए का. हड्डियां निकलती हैं वो भी 30-35 किलो. उनका हिसाब जोड़ा तो लगभग 1,000-1,200 रुपए का. वो तो कुल मिलाकर एक गाय को कत्ल करें और हम उसको एक्सपोर्ट कर दें पूरा का पूरा कत्ल करके, खून को भी, मांस को भी, हड्डियों को भी, तो सरकार को या कत्ल करके बेचने वाले को किसी भी स्थिति में 7,000 रुपए से ज्यादा नहीं मिलता. फिर हमने कोर्ट के सामने दूसरी बात कही कि यही गाय को अगर कत्ल नहीं किया जाए तो क्या मिलता है. हमने कत्ल किया तो 7,000 मिलेगा, और अगर हम कत्ल ना करें, इसको जिंदा रखें, तो कितना मिलेगा. तो उसका कैलकुलेशन है, एक गाय दिन में लगभग 10 किलो शेण देती है, गोबर, अगर स्वस्थ है तो. और एक गाय दिन में 2.5 से 3 लीटर मूत्र देती है अगर स्वस्थ है तो. गाय के 1 किलो शेण से 33 किलो खाद बनती है, फर्टिलाइजर, जिसको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर कहते हैं. 33 किलो 1 किलो शेण से. न्यायाधीश ने पूछा हाउ इज इट पॉसिबल. तो हमने कहा आप हमको समय दीजिए और स्पेस दीजिए, हम आपको यही सिद्ध करके बताते. उनका यस, ठीक है. तो हमने उनको पूरा करके दिखाया, और सिर्फ करके ही नहीं दिखाया, उनको हमने कहा कि अगर आपको परमिशन हो, प्रोटोकॉल के खिलाफ ये ना जाता हो, तो आप चलिए हमारे साथ, हम आपको दिखाते कहां कहां किन किन खेतों में हम 1 किलो गाय के शेण से 33 किलो खत बना रहे. मेरे अपने गांव में मैं बनाता हूं, मेरे आई बाबा दोनों शेतकरी हैं, खेती करते हैं. मेरे घर में 15 साल से गाय के शेण से ही खेती करता हूं. 1 किलो शेण है तो 33 किलो खत बनता है बड़े आराम से. और 1 किलो खत का अंतरराष्ट्रीय बाजार में जो भाव है वो 6 रुपए है. तो 33 किलो का लगभग 1,800 रुपए. 1,800 रुपए एक दिन में गाय के शेण से मिलता है, एक दिन में. और गाय का शेण में कोई संडे नहीं होता, वीकली ऑफ नहीं होता, हर दिन मिलता है. तो साल में कितना, 1,800 में 365 का गुणा कर लो. ये तो हुआ शेन एक साल का. और एक गाय की सामान्य उम्र 20 साल है, और वो जीवन के अंतिम दिन तक शेन देती है. तो 1,800 × 365 × 20, और ये कैलकुलेशन लगभग 1,00,000 रुपए के ऊपर गया, 2,00,000 के आसपास आता है. तो मैंने कहा इतना तो मिला, सॉरी 40,00,000 के आसपास आता है, 2,00,000 गलत बोले, तो 40,00,000 रुपए तो मिल जाएगा शेण से. अब आया मूत्र, रोज का 2.25 लीटर, और उस मूत्र से 48 औषधियां बनती है. डायबिटीज की औषधि बनती है, अर्थराइटिस, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियल निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, ऑस्टियोमाइलाइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, ऐसे 48 रोगों की औषधियां गाय मूत्र से बनती हैं.
और गाय के एक लीटर मूत्र का बाजार में दवा के रूप में कीमत लगभग 500 रुपए इस समय भारत के बाजार, अंतरराष्ट्रीय बाजार में तो उससे भी ज्यादा। आपको मालूम है अमेरिका में गोमूत्र पेटेंट है और अमेरिकन गवर्नमेंट भारत की गाय का मूत्र इंपोर्ट करती है हर साल, कैंसर की मेडिसिन बनाते हैं उससे, डायबिटीज की मेडिसिन बनाते हैं। और अमेरिका में गोमूत्र पर एक दो नहीं तीन पेटेंट है। तो अगर अमेरिकन मार्केट का अगर कैलकुलेशन करें तो एक लीटर गाय का मूत्र 1200-1300 रुपए के आसपास बैठता है, तो रोज का 3000 रुपए का मूत्र और एक साल का 3000 × 365 और 20 साल का 3365 × 20, इतना तो गाय का मूत्र और गोबर हो गया। फिर इसी गाय के शेन से, गोबर में से एक गैस निकलती है जिसको मीथेन कहते हैं, और मीथेन वही गैस है जिससे आप अपने रसोई घर का भोजन बना सकते हैं और जरूरत पड़े तो अपनी गाड़ी चला सकते हैं चार पहिए की। जैसे एलपीजी गैस से गाड़ी चलती है ना, वैसे मीथेन गैस से भी गाड़ी चलती है। तो न्यायाधीश को विश्वास नहीं हुआ तो हमने कहा आप अगर परमिशन दो तो आपकी कार में हम मीथेन गैस का सिलेंडर लगवा देते, आप चला के देख लो। उन्होंने कहा यस, हमने लगवाया, उनकी कार में मीथेन गैस का सिलेंडर लगवाया और जज साहब ने 3 महीने वो गाड़ी चलाई और वो कहते हैं कि इट इज मार्वेलस, क्योंकि खर्चा आता है मात्र 50 से 60 पैसे किलोमीटर और डीजल से चलाओ तो आता है 4 रुपए किलोमीटर, और मीथेन गैस से गाड़ी चले तो उसमें से धुआं बिल्कुल नहीं निकलता और डीजल से चले तो धुआं ही धुआं निकलता है, और मीथेन गैस की गाड़ी में शोर बिल्कुल नहीं होता है, डीजल की गाड़ी में कान फट जाए इतना शोर होता है। ये सब उनके समझ में आया। फिर हमने कहा कि अगर हम 10 किलो गाय का शेन रोज का इकट्ठा करें तो साल में कितनी मीथेन गैस एक गाय से मिलती है, वो सब कैलकुलेशन, और 20 साल में कितनी मिलेगी, और भारत में इस समय 17 करोड़ गाय हैं, सबका गोबर एक साथ इकट्ठा करें और उसका ही इस्तेमाल करें तो 1,32,000 करोड़ रुपए की बचत इस देश को होती है। बिना डीजल बिना पेट्रोल के हम पूरा ट्रांसपोर्टेशन इस देश का चला सकते हैं। और इतने सारे कैलकुलेशन जब हमने बम्बार्ड कर दिए सुप्रीम कोर्ट पर तो न्यायाधीश ने मान लिया कि गाय की हत्या करने से ज्यादा उसको बचाना आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है। जब कोर्ट की ओपिनियन आई तो ये कसाई लोग भड़क गए, उनको लगा कि अब केस उनके हाथ से गया, क्योंकि उन्होंने हिसाब जोड़ के दिया था कि हम कत्ल करते हैं तो एक गाय से 7,000 की इनकम, यहां हमने सिद्ध कर दिया कि उसको जिंदा रख लो तो लाखों रुपए की इनकम। फिर उन्होंने एक ट्रंप कार्ड चला कसाईयों ने, उन्होंने कहा कि ये हमारा धार्मिक अधिकार है कि हम गाय का कत्ल करें, दिस इज अवर रिलीजियस राइट। हमने कोर्ट को कहा कि अगर इनका ये धार्मिक अधिकार है तो जरा इतिहास में पता करो कि जितने भी मुस्लिम राजा हुए किस किस ने अपने इस धार्मिक अधिकार का उपयोग किया। तो कोर्ट ने कहा ठीक है, एक कमीशन बनाओ, हिस्टोरियंस को बुलाओ और जितने मुस्लिम राजा भारत में हुए सबकी हिस्ट्री निकालो, डॉक्यूमेंट्स निकालो और किस किस मुस्लिम राजा ने धार्मिक अधिकार का उपयोग किया गाय के कत्ल के रूप में। पुराने डॉक्यूमेंट्स जब निकाले गए तो पता चला कि भारत में जितने भी मुस्लिम राजा हुए उनमें से एक ने भी गाय का कत्ल किया नहीं, उल्टे कई मुस्लिम राजाओं ने गाय का कत्ल रोकने के लिए कानून बनाए। उनमें से एक नाम बता देता हूं, बाबर। बाबर ने अपनी पुस्तक जिसका नाम है बाबरनामा उसमें लिखवाया है कि मेरे मरने के बाद भी गाय का कत्ल का कानून जारी रहना चाहिए, माने गाय का कत्ल नहीं होना चाहिए। तो बाबर ने तो ये कानून बनाया, हुमायूं ने भी उसी कानून का पालन किया क्योंकि बाबर उसका बाप था, और हुमायूं के बाद जितने मुगल बादशाह थे सब ने इसका पालन किया इंक्लूडिंग औरंगजेब। फिर दक्षिण भारत में एक बड़ा मुस्लिम राजा था उसका नाम था हैदर अली, टीपू सुल्तान का बाप,
उसने एक कानून बनाया था कि अगर कोई गाय की हत्या करेगा तो हैदर अली उसके दोनों हाथ काट देगा, शिक्षा के रूप में, दंड के रूप में। जम्मू कश्मीर में जितने मुस्लिम राजा हुए सबने कानून बनाए, गाय की हत्या कोई करेगा तो उसको मृत्यु दंड। तो ये सब जब दस्तावेज कोर्ट के सामने आए तो हमने कोर्ट को कहा कि आप जरा बताइए कि अगर इस्लाम में गाय को कत्ल करना धार्मिक अधिकार होता तो बाबर तो कट्टर इस्लामिक था, 5 वक्त की नमाज पढ़ता था, हुमायूं भी था, जहांगीर भी था, औरंगजेब तो सबसे ज्यादा कट्टर था, तो इन्होंने क्यों नहीं गाय का कत्ल करवाया और क्यों गाय का कत्ल रोकने के कानून बनवाए? क्यों हैदर अली ने कानून बनाया कि गाय का कत्ल करेगा तो हाथ काट देंगे उसका? क्यों टीपू सुल्तान ने उस कानून का पालन किया? तो हमने कोर्ट से कहा कि आप अगर हमें इजाजत दें तो हम कुरान शरीफ, हदीस, जितनी भी पुस्तकें हैं वो पेश करते हैं और उनमें से कहां लिखा है गाय को कत्ल करो, ये हम जानना चाहते हैं। और आपको पता चलेगा कि इस्लाम की कोई भी धार्मिक पुस्तक में नहीं लिखा है कि गाय का कत्ल करो। हदीस में तो लिखा हुआ है कि गाय की रक्षा करो क्योंकि वो तुम्हारी रक्षा करती है। पैगंबर मोहम्मद साहब का स्टेटमेंट है कि गाय अबोल जानवर है इसलिए उस पर दया करो। एक जगह तो ये लिखा है कि गाय का कत्ल करोगे तो दो जख में भी जमीन नहीं मिलेगी, माने जहन्नुम में भी जमीन नहीं मिलेगी। तो फिर हमने कहा कि अगर मोहम्मद साहब ये कहते हैं, कुरान ये कहती है, हदीस ये कहती है, तो फिर ये गाय का कत्ल करना धार्मिक अधिकार कभी से हुआ भारत में? इनको पूछो जरा कसाईयों को। तो वो बौखला गए। हमने कहा अगर मक्का मदीना में कोई किताब हो तो ले आओ, उसमें भी देख लेते हैं। कोर्ट ने उनको 1 महीने की परमिशन दिया कि आप 1 महीने में ऐसा कोई दस्तावेज ला के दे दो जिससे ये पता चलता हो कि गाय का कत्ल करना इस्लाम का मूल अधिकार है, मान लेंगे। 1 महीने तक भी कोई दस्तावेज नहीं मिला तो कोर्ट ने कहा कि अब हम ज्यादा समय नहीं दे सकते। और पिछले साल 26 सितंबर सन 2005 को सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट सुना दिया। वो जजमेंट की कॉपी मेरे पास है, अगर आप में से किसी को इंटरेस्ट हो तो इसकी फोटोकॉपी ले सकते हैं। और अगर आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी हो तो www.supremecourtcaselaw.com, ये वेबसाइट एड्रेस है सुप्रीम कोर्ट का, उस पर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये 66 पन्ने का जजमेंट है और भारत के सुप्रीम कोर्ट के इतिहास का सबसे ऐतिहासिक जजमेंट, और उस मंगल पांडे ने इतिहास बना दिया। वो फांसी पर चढ़ गया लेकिन अपने मुंह से गाय की चर्बी के कारतूस उसने नहीं खोले, और जिस अंग्रेज अधिकारी ने उसको मजबूर किया उसको गोली मार दी उसने, मंगल पांडे ने। तो हमने कहा था ये बात कि भारत की आजादी का इतिहास शुरू होता है गाय की रक्षा से, इसलिए गाय की रक्षा उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी हमारी आजादी। और आजादी का जब आंदोलन हुआ तो आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि भारत में 1857 के बाद जब मंगल पांडे को फांसी हो गई तो गांव-गांव में गो रक्षा के लिए लोगों ने समितियां बनाई और उन समितियों ने आजादी का आंदोलन लड़ा। गो रक्षा समितियों ने आजादी की लड़ाई लड़ी। और 1857 में इस देश में 7,32,000 गांव थे, ऐसा कोई गांव नहीं बचा जहां गोरक्षा समिति ना बनी हो, और ऐसी कोई समिति नहीं थी जिसमें कम से कम 11 सदस्य ना हो। और मजे की बात यह थी कि इन समितियों में हिंदू भी और मुसलमान भी, दोनों, जैन भी, सिख भी, पारसी भी, बौद्ध भी, सब इसमें थे। कारण क्या है? कारण यह है कि भारत के ज्यादातर मुसलमान कन्वर्टेड हैं, हिंदू ही थे, तलवार की जोर पर या किसी लालच में आकर मुसलमान बने, तो संस्कार उनके अभी तक नहीं गए। और ये आपको अगर देखना हो तो आप आइए, मैं आपको दिखाता हूं। गुजरात में कच्छ नाम का एक जिला है, कच्छ जिले में सभी मुसलमान गाय पालते हैं, एक नहीं कच्छ के दसियों गांवों में, क्योंकि मैंने कच्छ में 4 महीने रहकर देखा है। जब वहां भूकंप आया था तब भी मैं सेवा कार्य के लिए गया था, 4 महीने रहा था। कच्छ के हर गांव में मुसलमानों के पास गाय है।
मैं उनसे पूछता था आप गाय क्यों पालते हैं, तो उनका दूध के लिए, हमको दूध चाहिए, तूप चाहिए, घी चाहिए, गाय के दूध से मिठाई बना के हमारा रोजगार चलता है, इसलिए गाय पालते हैं। और ये सिर्फ कच्छ में ही नहीं होता है, राजस्थान में आप आइए, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, ये सभी जिलों में जितने भी मुसलमान हैं वो गाय पालते हैं। और जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर के इलाके में राठ जाति के एक भी मुसलमान का घर ऐसा नहीं है जहां गाय नहीं है, हर जगह गाय। आप हरियाणा में आइए, हरियाणा में मेवात नाम का एक इलाका है जो राजस्थान से लगा हुआ है, दिल्ली के नजदीक, सभी मेवाती मुसलमानों के घर में गाय है, वो भी गाय पालते। तो भारत के आजादी के आंदोलन में जो गोरक्षा आंदोलन चला उसमें मुसलमान भी शामिल थे, तो उसका इतिहास यह है कि वो भी गाय पालते हैं वर्षों से, उनको भी दूध चाहिए, घी चाहिए। और हिंदू तो इसलिए पालते हैं कि उनको मोक्ष मिलेगा। जैन, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जितने भी हिंदुस्तानी हैं लगभग सभी गाय पालते रहे। तो आजादी के आंदोलन में गोरक्षा के काम में हिंदू मुसलमान सब एक साथ मिलकर लड़ रहे थे, और ये आंदोलन इतना ताकतवर हो गया था कि सन 1894 में अंग्रेजों की रानी ने भारत के वायसराय को एक पत्र लिखा, वो पत्र की कॉपी मेरे पास है। भारत का उस समय वायसराय था, उसका नाम था लैंसडाउन, और उसका जो नीचे का अधिकारी था लैंसडाउन के नीचे, दोनों को पत्र लिखा रानी ने, और पत्र में लिखा कि देखिए भारत में धीरे धीरे गोरक्षा आंदोलन इतना तीव्र हो गया है कि हम अंग्रेजों को अब भारत में रहना मुश्किल है। क्यों? तो पत्र में वो लिख रही है कि 350 कतल खाने हमने भारत में शुरू किए हैं, जिसमें साल में लगभग 50,000 गाय कटती है, वो सब गाय का मांस हमारे अंग्रेज सैनिक खाते हैं, भारतवासियों को ये पसंद नहीं आता है, और उनका विद्रोह और आक्रोश इतना तेज है कि हिंदू और मुसलमान सब मिलकर हमारे खिलाफ हैं। फिर आगे लिख रही है कि मैं आपको आदेश देती हूं कि आप जल्दी से इस आंदोलन को खत्म करने के लिए कुछ करिए, नहीं तो अंग्रेजों को भारत से भागना पड़ेगा। फिर अंत में वो सुझाव दे रही है पत्र में कि मेरा एक सुझाव है, अगर आप करें तो बहुत अच्छा। वो सुझाव ये है कि जितने कतलखाने अंग्रेजों की सरकार चलाती है भारत में, उन सभी कतलखानों में मुसलमानों की भर्ती कराइए, और हिंदुओं को बताइए कि गाय मुसलमान काटते। और उसके बाद पत्र उसने खत्म किया है। लैंसडाउन के पास जब यह पत्र आया तो उसका जो नीचे का अधिकारी था उसका नाम था डलहौजी, उसने डलहौजी को पत्र दिखाया, दोनों ने मिलकर कहा कि हाँ हम कोई ऐसा कोशिश करें। तो जितने अंग्रेज कत्ल खाने चलते थे उन सब में मुसलमानों की जबरदस्ती भर्ती की गई, और अखबारों में खबर छपाई गई कि देखो गाय मुसलमान काट रहे हैं। परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि जो हिंदू और मुसलमान मिलकर गाय बचा रहे थे उन्होंने एक दूसरे को काटना शुरू कर दिया, और सबसे बड़ा सांप्रदायिक दंगा इस हिंदुस्तान में 1895 में हुआ, और उसके बाद आग लग गई पूरे देश में, और ये आग इतनी जबरदस्त फैली कि सन 1905 में अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमान के आधार पर बंगाल का बंटवारा कर दिया। पूर्वी बंगाल मुसलमानों को, पश्चिमी बंगाल हिंदुओं को। और उस समय तक अंग्रेजों का वायसराय आ गया था, उसका नाम था करजन। करजन ने डिवीजन ऑफ बंगाल एक्ट नाम का एक कानून बनाया, बंगाल के दो टुकड़े कर दिए। करजन को एक चिट्ठी आई ब्रिटिश पार्लियामेंट से, उसके जवाब में उसने कहा कि मैंने भारत में बंटवारे का बीज बो दिया है, एक दिन यही बीज वृक्ष बनेगा और भारत देश के दो टुकड़े करेगा। माने 1947 में भारत का जो बंटवारा हुआ उसका बीज 1905 में बंगाल के बंटवारे में ही बो दिया गया, और अंग्रेज अपनी रणनीति में कामयाब हो गए। उनकी रणनीति क्या थी? बांटो और राज करो, डिवाइड एंड रूल, हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ाओ। तो परिणाम यही हुआ कि हिंदू मुसलमान तो आपस में लड़ने लगे, अंग्रेजों की सरकार चलती रही और गाय भी कटती रही और उनको मांस भी मिलता रहा, और उसका अंत यह है कि आज तक वही खेल हो रहा है।
मैंने इस हिंदुस्तान में बहुत सारे मुस्लिम परिवारों में जाकर ये जानने की कोशिश की है कि कितने मुस्लिम परिवार हैं जो रोज गाय का मांस खाते, तो पता चला कि भारत में 1% भी मुसलमान नहीं है जो रोज गाय का मांस खाते। वो ये कहते हैं कि साल में 2 या 3 बार खाते हैं, लेकिन अगर आपको बहुत खराब लगता है तो हम बंद कर सकते हैं, इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है, वो खुद कहते हैं। और इस विषय पर मैंने हैदराबाद में जो सबसे बड़ी मस्जिद है उसके मौलाना से बात की है, लखनऊ में मौलाना वहीदुद्दीन से बात की है, दिल्ली में बात की है, सभी मौलाना उलेमा तैयार हैं कि अगर हिंदू समाज हमारे साथ बैठे तो हम गाय के कत्ल के प्रश्न को हल करना चाहते हैं। और इस बार आप जानते हैं कि ईद पर जो मुसलमानों की सबसे बड़ी संस्था है बरेली, उन्होंने नोटिस जारी किया था कि कत्ल ना किया जाए, हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचती। इसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो सरसंघ चालक हैं श्री सुदर्शन जी, उन्होंने बहुत प्रयास किया इस बार और मुसलमानों ने उनकी बात को माना, आदर दिया और नहीं हुआ इस बार गाय का कत्ल ईद पर, बकरीद पर। तो यह प्रश्न हल हो सकता है समाज के स्तर पर, हिंदू मुसलमानों के स्तर पर हल हो सकता है। ये सब बात हमने सुप्रीम कोर्ट में कही। मैंने कहा आप अगर इसको मानते हैं तो समाज भी हल कर लेगा। तो कोर्ट ने मान लिया कि सामाजिक रूप से गाय की रक्षा होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हिंदू मुसलमान की दोस्ती भी इससे बढ़ती है। फिर तीसरी हमने कहा कि ये संस्कृति के लिए बहुत आवश्यक है कि गाय बचे, क्योंकि भारतीय संस्कृति का जो केंद्र है, देखिए संस्कृति और सभ्यता किसी भी देश की आत्मा होती है। संस्कृति और सभ्यता में बहुत थोड़ा सा अंतर होता है। वो अंतर क्या होता है मैं एक छोटे से उदाहरण से समझाता हूं और आप हमेशा याद रखें इसको, संस्कृति क्या है सभ्यता क्या है। अगर यहां मंच पर मैं आपको एक कोई ऐसी महिला को पेश करूं जो मराठी स्टाइल की साड़ी पहने हुए हो तो आप तुरंत देख के पहचान लेंगे कि ये मराठी है। अगर कोई एक महिला ऐसी आए जो बंगाली स्टाइल की साड़ी पहने हुए हो तो भी आप पहचान लेंगे कि ये बंगाली है। अगर कोई महिला गुजराती स्टाइल की साड़ी पहन के आए तो आप तुरंत पहचान लेंगे कि ये गुजराती है। अगर कोई महिला पंजाबी स्टाइल की साड़ी पहन के आए तो भी आप पहचान लेंगे ये पंजाबी है। माने मैं क्या कहना चाहता हूँ, साड़ी बांधने का जो स्टाइल है वो संस्कृति है और साड़ी जो है वो सभ्यता है। साड़ी को बांधने के जो अलग अलग तरीके हैं उसी को संस्कृति कहते हैं, और जो एक चीज कॉमन है सब में वो साड़ी है, उसको सभ्यता कहते हैं। तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति के केंद्र में गाय है। क्यों? हर सभ्यता के केंद्र में अर्थव्यवस्था होती है और हर अर्थव्यवस्था को चलाने के तरीके से संस्कृति निरूपित होती है। हमारे भारत में एक बड़े महान व्यक्ति हो गए, उनका नाम था चाणक्य। चाणक्य ने एक सूत्र दिया है, बहुत सुंदर है, धर्मस्य मूलम अर्थम अर्थस्य मूलम कामम। धर्म का मूल जो है ना वो अर्थ है और अर्थ का मूल जो है वो कार्य है। अगर धर्म टिकाना है तो अर्थ को मजबूत बनाना आवश्यक है। माने जो देश में आर्थिक व्यवस्था मजबूत नहीं होगी वहां धर्म नहीं टिकता। धर्मस्य मूलम अर्थम अर्थस्य मूलम कामम। और उन्होंने ये परिभाषा किस लिए दी? धर्म अर्थ काम मोक्ष जो हमारी संस्कृति का केंद्र है उसको समझाने के लिए ये उन्होंने परिभाषा दी। तो भारत में अर्थव्यवस्था कहां से चलती है? धर्म चलाना हो तो अर्थव्यवस्था मजबूत होनी चाहिए। अर्थव्यवस्था मजबूत तभी होगी जब भारत की खेती और शेतकरी मजबूत हो, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था का 70% हिस्सा खेती से जुड़ा हुआ है और खेती की सबसे ज्यादा मजबूती गाय के शेण और गोमूत्र से जुड़ी हुई है। यूरिया डीएपी तो क्षेपक के रूप में आया है। यूरिया डीएपी हमारी खेती का आधार नहीं है, कभी भी नहीं रहा, ये तो पिछले 40 साल में आया। और 40 साल में जिन लोगों ने इसको लाया उनसे भी मैंने बातें की है। ये बड़े बड़े जो कृषि विद्यापीठ खुले हुए हैं ना, इनके प्रोफेसर्स और इनके रिसर्च स्कॉलर्स को पूछा है कि ये यूरिया डीएपी आपने क्यों लाया, तो उन्होंने कहा हमने थोड़ी लाया, सरकार ने लाया। हमने तो भोंपू की तरह से गांव गांव में बजाया कि यूरिया वापरो डीएपी वापरो। लाया तो सरकार ने। सरकार ने क्यों लाया?
तो कहते हैं कि यूरिया डीएपी बेचने वाली कंपनियां ही राजनीतिक पार्टियों को सबसे ज्यादा डोनेशन देती हैं। राजनीतिक पार्टियों को ज्यादा डोनेशन मिले तो आवश्यक है कि रासायनिक खत ज्यादा बिके। तो हर एक राजनीतिक पार्टी की सरकार जब आएगी तो खत बिकवाएगी। खत बिकवाने के लिए कृषि विद्यापीठ के प्रोफेसरों को भौंपू की तरह से इस्तेमाल करेगी। वही हो रहा है। हर एक प्रोफेसर कहता है यूरिया वापरो, डीएपी वापरो। और मजे की बात है कि वो प्रोफेसर अपने क्षेत्र में नहीं वापरता उसको, हाँ अपने क्षेत्र में नहीं डालेगा यूरिया डीएपी सुपरफो। कोई शेतकरी आएगा उसको बताएगा यूरिया डालो डीएपी डालो। हमारे भारत देश में ग्रीन रिवॉल्यूशन के जो जनक माने जाते हैं ना, एमएस स्वामीनाथन, उनका घर में देखने गया एक बार, तो उनके खेत में आज तक यूरिया नहीं डाला, लेकिन सबको पूरे देश में यूरिया डलवाया। अब स्वामीनाथन साहब कहते हैं कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई, चूक हुई। एक दिन मैंने पूछा क्यों, तो उनका बात ऐसी है कि उस समय मैं सरकार की पगार खाता था, इसलिए जो सरकार कहे वही कहता था। अभी मैं रिटायर हो गया हूं तो अब मैं वो कहता हूं जो सच है। और आपको माहिती है कि एम एस स्वामीनाथन इस समय महाराष्ट्र सरकार की ऑर्गेनिक फार्मिंग कमेटी के चेयरमैन है। ऑर्गेनिक फार्मिंग कमेटी, सेंद्रीय खेती करने वाला जो कमीशन है उसके चेयरमैन है। थोड़े समय पहले तक यही सबसे ज्यादा यूरिया डीएपी सुपरफॉस्फेट डालो ऐसा बोलते थे। यूरिया डीएपी सुपरफॉस्फेट एक बहुत बड़ा होक्स है। वो होक्स क्या है, खेत में जितना भी यूरिया डालो वो कभी काम में नहीं आता, कभी नहीं काम में आता। कारण क्या है कि यूरिया की किसी भी पीक को जरूरत ही नहीं है, काम में कैसे आए। तो आप बोलेंगे जी यूरिया से तो भोजन बनता है, भोजन तो पीक को चाहिए, पौधे को चाहिए। पौधे का भोजन यूरिया से नहीं बनता है, पौधे का भोजन सूर्य के प्रकाश से बनता है। विज्ञान की एक क्रिया है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है। उसमें हर पौधा सूर्य के प्रकाश को शोषित करके अपना भोजन स्वयं तैयार करता है। उसमें यूरिया की कोई भूमिका नहीं, क्योंकि वो तो माटी में डलता है। माटी से पौधा क्या लेता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लेता है और पानी लेता है, और भोजन तो पौधा सूर्य के प्रकाश से बनाता है। और सामान्य रूप से शेतकरी जब यूरिया डालते हैं तो वो कब डालते हैं, पेरनी होती है फिर उसके बाद बीज डालते हैं, अंकुरण होने के 20 दिन के बाद यूरिया डालते हैं। और विज्ञान का नियम यह है कि पौधा 20 दिन के बाद सूर्य प्रकाश से भोजन लेना शुरू कर देता है, तो यूरिया तो अनयूज्ड बेकार पड़ा रहता है। फिर ये करता क्या है यूरिया, ये यूरिया शेप की माटी में जब जाता है तो छोटे छोटे जो कीट होते हैं, जंतु होते हैं, माइक्रोब्स जिनको कहते हैं, उनको मार डालता है। हाँ आप कभी यूरिया का प्रयोग करिए। क्या हमारे खेत की मिट्टी में जो छोटे छोटे जीव होते हैं उनमें से कुछ तो आंख से दिखते हैं, कुछ नहीं दिखते हैं। जो आंख से दिखते हैं उसमें से एक है गांडू अर्थवॉर्म, उसको पकड़िए और उसके ऊपर यूरिया डालिए, 3 मिनट में तड़प तड़प के मर जाता है। तो जब हम टनों टन यूरिया डालते हैं तो गांडुल मर जाता है, और गांडुल जैसे करोड़ों जीव मर जाते हैं। उनके मरने के बाद क्या होता है कि मिट्टी में वो डिकम्पोज हो जाते हैं, मिल जाते हैं। तो उन गांडुल के शरीर में जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व, वो मिट्टी को मिल जाते हैं, और इसलिए एक दो बार पीक अच्छा आ जाता है। तो यूरिया की भूमिका जो है वो हत्यारे की भूमिका है, और ये भूमिका कुछ इस तरह की है। आपको समझाने के लिए एक उदाहरण दे रहा हूं कि अगर आपके घर में कोई व्यक्ति मर जाए, आप उसका अंतिम संस्कार मत करिए, जलाइए मत, उसको जमीन में खड्डा खोद के गाड़ दीजिए, थोड़े दिन में वो मिट्टी में मिल जाएगा। अब उस मिट्टी पर एक आम का झाड़ लगा दीजिए, सबसे जास्ती आम का फल उसी झाड़ पे आएगा। ये मैंने खुद करके देखा है। कोई गाय मर जाए, भैंस मर जाए, उसको जमीन में खड्डा खोद के गाड़ दीजिए, आम का झाड़ लगा दीजिए। सामान्य रूप से आम का झाड़ 3 वर्ष के बाद फल देता है, लेकिन गाय को जहां दफन किया है वहां लगा दीजिए तो 2 वर्ष में ही फल देता है, और कम से कम 4,000 आम पहले ही साल में मिल जाएंगे आपको। कैसे हुआ,
गाय के शरीर में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, सिलिकॉन है, कोबाल्ट है, मनुष्य के शरीर में भी है, गाय के शरीर, वो मिट्टी को मिल जाते हैं, उनकी ताकत पर पीक आता है। तो कई बार शेतकरी को ये भ्रम हो जाता है, गैर समझ, कि यूरिया डालने से बहुत पीक आता है। वो एक ही बार आता है जब जीव मरते हैं, और दूसरी बार डाला तो मरने के लिए कोई जीव बचा नहीं, तो पीक नहीं आएगा। फिर वो अपना सिर पीटता है शेतकरी, फिर क्या सोचता है, मैंने कुछ कम डाला तो अगली बार उससे भी ज्यादा डालता है, फिर अगले साल और ज्यादा डालता है, और डालते डालते हालत वहां पहुंच जाती है कि यूरिया डालते डालते वो खुद मर जाता है, आत्महत्या कर लेता है। कारण क्या है, यूरिया की मात्रा बढ़ती जाती है और यूरिया का भाव भी बढ़ता जाता है। 15 साल पहले 70 रुपए का 50 किलो यूरिया था, अब 270 रुपए का 50 किलो। 15 साल पहले डीएपी 4 रुपए किलो था, अब 22 रुपए किलो। तो यूरिया डीएपी का भाव बढ़ा तो खेती का लागत खर्च बढ़ा, लागत खर्च बढ़ा लेकिन उत्पन्न नहीं बढ़ा, तो खेती घाटे में आई, तो वो बैंक से कर्जा लाया, कर्जे पर 14% का ब्याज भरना है, और वो भी चक्रवर्ती ब्याज भरना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। और कभी अतिवृष्टि अनावृष्टि हो गई तो हाथ में शेतकरी के कुछ नहीं है, तो बैंक वाले आके खड़े हैं कि लाओ पैसा वापस, तो अपनी इज्जत बचाने के लिए जहर पीता है और आत्महत्या कर लेता है। हर साल भारत में 56,000 शेतकरी आत्महत्या करते हैं, हर साल। महाराष्ट्र उसमें हाईएस्ट है। पिछले साल महाराष्ट्र में 856 शेतकरी ने आत्महत्या किया, आंध्र में लगभग 750 है, संपूर्ण भारत में 56,000, और इस साल भी यही हाल है। तो शेतकरी को आत्महत्या से अगर बाहर निकालना है और खेती को केंद्र बिंदु मानकर कुछ कराना है, तो उसका एक ही उपाय है, गाय का शेण और गाय का मूत्र। यूरिया डीएपी से खेती करके शेतकरी जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि यूरिया डीएपी से खेती करने से खर्चा इतना बढ़ता है, 1 हेक्टेयर का खर्चा 15 साल पहले मेरे घर में 1,500 रुपए आता था लागत खर्च, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अब वही 1 हेक्टेयर का खर्चा 14,000 रुपए ये साल में आता है। 1 हेक्टेयर में पहले मुझको 12 क्विंटल कापूस आती थी और 2,500 रुपए क्विंटल के भाव में मैं बेचता था, तो मुझे लाभ होता था। अब इस साल 1 हेक्टेयर में 3.5 क्विंटल कापूस आई है और भाव उसको 1,700 रुपए क्विंटल है। मेरे जैसे शेतकरी सिर पीट रहे हैं, अपना क्या करें। इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि अगर भारत के शेतकरी को आत्महत्या के दुष्चक्र से निकालना हो तो एक ही रास्ता है, गाय का शेण और गोमूत्र, क्योंकि 1 किलो शेण है तो 33 किलो खत बनता है, और गाय के शेण को उपयोग करें तो 1 एकड़ में 8 क्विंटल कापूस मिलता है। गाय के शेण को उपयोग करें तो 1 एकड़ में 25 क्विंटल गेहूं मिलता है। गाय के शेण का उपयोग करें तो 1 एकड़ में 70 से 80 टन ऊस मिलता है। गाय के शेण का उपयोग करें तो 1 एकड़ में 19 से 20 क्विंटल तुअर की दाल मिलती है। गाय का शेण उत्पन्न करें तो 1 एकड़ में रोज लगभग 50 से 60 किलो भाजीपाला टूटता है। गाय का शेण उपयोग करें तो 1 एकड़ में 33 क्विंटल धान आता है। माने हर चीज पीक ज्यादा लेना हो तो गाय का शेण है, क्योंकि गाय के शेण में वो सभी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो भूमि को चाहिए। यूरिया डीएपी में सिर्फ 3 है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, गाय के शेण में 17। तो ये बात समझ में आ गई कोर्ट को। फिर उन्होंने एक्सपर्ट्स को बुलाया, एक्सपर्ट्स ने भी कहा कि यही बात है, तो फिर डिसीजन देने में उन्होंने देर नहीं किया और ये डिसीजन आ गया। अब डिसीजन ये कहता है, जजमेंट ये है कि गाय का कत्ल नहीं होना चाहिए, और दूसरा जजमेंट का पार्ट है कि भारत की सभी राज्यों की सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी है कि उनके राज्य में गाय का कत्ल नहीं हो। और जजमेंट का तीसरा पार्ट है कि भारत का हर नागरिक जिसको संविधान से अधिकार है नागरिकता का, अब उसकी जवाबदारी है कि वो गोरक्षा करे। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि ये पहला जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का जिसमें कोर्ट ने कहा है कि भारत के नागरिक को गाय बचाने की जिम्मेदारी लेनी है। सरकार को तो लेनी है, नागरिकों को भी लेनी है। माने आप सब इससे बंधे हुए हैं, मैं और आप।
अब मैं आपसे कहने आया हूं वो ये कि जजमेंट तो आ गया है, आपको गाय बचानी है, मुझे भी गाय बचानी है। अब ये गाय बचाने का रास्ता क्या है? इसके दो रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि आप अपने राज्य की सरकार पर दबाव डालिए कि जल्दी से गोरक्षा का कानून बनाए और महाराष्ट्र में लागू करें और एक भी कत्ल खाने में गाय ना कटे। ये जिम्मेदारी अब आपकी है। इसके लिए क्या करना है? आपके मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख जी को हजारों की संख्या में पत्र भेजिए, मेमोरेंडम दीजिए, निवेदन करिए और उनको एक ही बात पूछिए कि आपको भूतपूर्व होना है कि अभूतपूर्व। अगर आप भूतपूर्व होना चाहते हैं तो गोहत्या चालू रखिए, हम आपको भूतपूर्व बना देते हैं अभी थोड़े दिन में। और अगर अभूतपूर्व होना चाहते हैं तो गोरक्षा का कानून पारित कर दीजिए विधानसभा। और महाराष्ट्र में ये आसानी से होगा। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र को तो विधानसभा में पारित करने का कुछ जरूरत नहीं है, पारित हो चुका है, राष्ट्रपति का सही नहीं हुआ है उस पर अभी तक, कानून तो बन गया है। जब यहां युति सरकार थी ना, शिवसेना बीजेपी की, तभी ये कानून बन गया था विधानसभा में, तो पास हो गया, राष्ट्रपति के पास गया नहीं सही के लिए, वो पड़ा हुआ है। तो इतना करना है कि मुख्यमंत्री इसको जल्दी से राष्ट्रपति के पास भेज दो, राष्ट्रपति तैयार है सही करने के लिए क्योंकि 100% वेजिटेरियन है। भारत में मुस्लिम राष्ट्रपति है और 100% शाकाहारी है, शाम को खिचड़ी खाते हैं, सवेरे दाल रोटी खाते हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं फिर भी दाल रोटी खाते हैं, खिचड़ी खाते हैं। तो वो तो तैयार है सही करने में, देर नहीं, मुख्यमंत्री भेज नहीं रहा है। कारण क्या है? राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार के टेके से सरकार चल रही है। और शरद पवार क्या बोला? मैं बोला आपको, गाय को क्यों बचाना, वो तो बेकार है, बूढ़ी हो गई है, तो कत्ल हो जाना चाहिए। तो इस समय यहां जो सरकार चल रही है उसमें एक पक्ष गाय का समर्थन नहीं करता तो उनके लिए थोड़ा संकट है। लेकिन आप इस संकट को ठीक करिए, ठीक ये करिए, औरंगाबाद से कम 10-20 हजार पत्र मुख्यमंत्री को भिजवा दीजिए। पता आप सब जानते हैं, कोई ज्यादा बताने की आवश्यकता, और पत्र में सीधे एक ही भाषा में बात करिए कि भूतपूर्व होना है या अभूतपूर्व, आप तय करो। क्योंकि जो गाय के कत्ल का समर्थन करते थे वो सभी मुख्यमंत्रियों को हमने भूतपूर्व बना दिया, चंद्रबाबू नायडू, देख रहे हैं ना, हाईटेक चीफ मिनिस्टर, अभी चप्पल चटकाते हुए हैदराबाद में घूमता रहता है, कोई पानी को भी नहीं पूछता उसको। दूसरा एक मुख्यमंत्री हरियाणा में ओम प्रकाश चौटाला, वो भी गोहत्या का समर्थन किया, वो भी भूतपूर्व हो गया। ममता बनर्जी, वो हुई नहीं है तो भूतपूर्व क्या होगी, आज तक मुख्यमंत्री नहीं बनी, बनने का भी कोई चांस दिखता नहीं। तो आपके मुख्यमंत्री को कहिए कि देखिए जी, भूतपूर्व होना है तो बहुत अच्छा, अभूतपूर्व होना है तो आपके पास ऑप्शन है, आप जल्दी से ये हस्ताक्षर करा लो राष्ट्रपति के। फिर वो कहेंगे जी सरकार गिरती है, गिर जाने दो, दोबारा चुनाव लड़ो इसी मुद्दे पे, तो पूरी मेजोरिटी से आ जाओगे, चिंता मत करो उसकी। तो आपको ये दबाव बनाना है अपने मुख्यमंत्री पर, और यही दबाव हर राज्य के नागरिकों को बनाना है अपने अपने मुख्यमंत्रियों पर कि सभी राज्यों में गोरक्षा का कानून बने। तो ये तो एक काम हुआ, और इसको आप करेंगे सब मिलकर, ऐसा मेरी अपेक्षा है। आप अगर किसी संस्था में हैं तो संस्था की तरफ से करें, व्यक्तिगत रूप से भी करें, कोई संस्था के लेटर हेड पर हस्ताक्षर के साथ भेजें, 100, 200, 500 हस्ताक्षर के साथ के ये करो, व्यक्तिगत पत्र भी भेजें, ईमेल करें, फैक्स करें, जो कर सकते हैं करें। दूसरा एक काम इससे भी बड़ा करना है, वो ये कि गाय कटती तब है जब वो बाजार में बिकती है, और गाय काटने वाले तो कुरैशी हैं, पालने वाले तो सब हिंदू। तो हम इस देश के हिंदुओं को इस बात के लिए कन्विंस करें कि तुम गाय बेचो मत, कटेगी नहीं,
तो वो कहता है जी गाय इसलिए बेचनी पड़ती है कि वो दूध नहीं देती, वही कुतर्क। तो उसको समझाना है कि भले दूध नहीं देती, मूत्र तो देती है, शेण तो देती है, और उसके शेण और मूत्र से लाखों रुपए की आमदनी है, तुम क्यों परेशान हो दूध के लिए। गाय तो मुख्य रूप से शेण और मूत्र के लिए पालो, दूध तो बोनस है, असली तो शेण और मूत्र है जो लाखों रुपए की इनकम दे रहा है। और हर शेतकरी को यह समझाना है कि तुम तुम्हारे गांव की गाय का शेण इकट्ठा करो, एक गोबर गैस प्लांट बनाओ, उसमें से गैस निकालो, गैस को सिलेंडर में भरो, घर में इस्तेमाल करो, तुम्हारे ट्रैक्टर में लगाओ, तुम्हारी गाड़ियों में लगाओ, तुम्हारी अर्थव्यवस्था तुम्हारे तरीके से चलाओ, डीजल खरीदने की जरूरत नहीं। और सब गाँव में ये हो सकता है, असंभव इसमें कुछ नहीं, बस उनको बताने की जरूरत है। और दूसरा, शेतकरी बांधवों को यह बताने की जरूरत है कि यूरिया डीएपी से जो तुम खेती कर रहे हो ये तुम्हें आत्महत्या में लेके जा रही है। तुम अगर जिंदा रहना चाहते हो तो यूरिया डीएपी बंद करके शेण खत वापरना शुरू कर दो। मैंने मेरी जितनी शक्ति है और क्षमता है उसके अनुसार ये प्रचार करना शुरू किया है और इसका अच्छा परिणाम भी है। पिछले करीब 1.5-2 वर्षों में 50,000 से ज्यादा शेतकरी बांधवों को मैंने ये समझाया। उसका परिणाम यह है कि उनमें से 5,000 शेतकरी बांधवों ने शेण खत वापरना शुरू किया है और वो कहते हैं कि हम पहले से ज्यादा सुखी हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारा खर्चा 90% कम हो गया है और उत्पन्न 10-15% बढ़ गया है। तो दोनों ही स्तर पर उनको लाभ है। अब ये बात तेजी से गांव-गांव फैलाने की जरूरत है। तो फिर गुणगान शुरू करते हैं, ओ गाय माता है, बहुत अच्छी है, हमारी आई कहती थी, आई की आई भी कहती थी, हमने तो बचपन में बहुत पूजा किया है, वो सब अच्छी अच्छी बातें कहना शुरू करते हैं, क्योंकि लाभ मिलता है। थोड़ा आदमी हो गया है स्वार्थी, शहर का तो ज्यादा हो गया है, जब तक लाभ नहीं मिलता तब तक किसी का बखान भी नहीं करता, तो फिर गाय का बखान करता है, तो फिर कुतर्क नहीं करता, तो फिर आपके रास्ते का अवरोध नहीं बनता, तो आप उसकी डायबिटीज ठीक करते जाओ। इलाज मैंने बता दिया, सवेरे 25 मिलीग्राम गोमूत्र पीना है और एक तास के बाद मेथी दाने को रात में पानी में डालकर सवेरे वो पानी पी के और एक पीछे से मेथी दाना खाना, तो इससे डायबिटीज कंप्लीट क्योर, कंप्लीट क्योर शब्द बात कर रहा हूं मैं, एलोपैथी वाला बात नहीं करता ये। एलोपैथी वाला कहता है कि डायबिटीज कैन बी कंट्रोल्ड बट कैन नॉट बी क्योर्ड। वो कहते हैं कि कंट्रोल तो होती है, क्योर नहीं होती, लेकिन गाय के मूत्र में कंट्रोल कुछ नहीं होता, क्योर ही होता है। आप पूछोगे जी क्या है ऐसा उसमें, गाय के मूत्र में वो केमिकल हैं जो आपके शरीर के इंसुलिन की मात्रा को बढ़ाते हैं, इंसुलिन को एक्टिवेट करते हैं, पैनक्रियास को एक्टिवेट करते हैं, वो गोमूत्र में है और भगवान का दिया हुआ है, तो इसलिए ये होता है। और मैंने तो डायबिटीज बोला इसलिए क्योंकि बहुत लोग पीड़ित हैं। ऐसा कोई भी रोग मिले आपको, अस्थमा है, अस्थमा, उनको बोलो कि गाय का मूत्र पियो सवेरे 25 मिलीग्राम और पीछे से 1 घंटे बाद दालचीनी का पाउडर गर्म पानी के साथ लो तो अस्थमा भी ठीक, महीने सवा महीने, ब्रोंकियल अस्थमा भी ठीक, ट्यूबरकुलोसिस 4 महीने में ठीक। फिर कोई कहेगा कि हमको और भी कुछ बीमारी है, मूल व्याध है, बवासीर है, भगंदर है, उसको कहो कि सवेरे गाय का मूत्र पियो 25 मिलीग्राम और 1.5 घंटे के बाद कपूर खा लो केले में डाल के, केला है ना, केले को छीलो, बीच में कपूर डालो और केला खा जाओ, तो मुश्किल से 15-20 दिन लगता है मूल व्याध बवासीर भगंदर ठीक। फिर कोई कहता है जी मुझको तो बहुत गंभीर बीमारी है, खून नहीं बनता, तो उनसे कहो कि गाय का मूत्र पियो सवेरे सवेरे और रात को गाय के दूध में गाय का तूप मिला के पियो तो खूब खून बनेगा, हीमोग्लोबिन बहुत तेजी से बढ़ेगा। फिर कोई कहेगा मुझे नींद नहीं आती रात को, तो उससे कहो कि गाय का मूत्र पियो और मेथी दाने का पानी, दोनों से बहुत अच्छी नींद आती है। फिर वो ही कहेगा कि मुझे बहुत खराब खुजली हो गई है, दाद हो गया है, खाज हो गई है, एक्जिमा हो गया, सोराइसिस हो गया, उसको कहो कि गाय के मूत्र की मालिश करो और सवेरे मेथी दाने का पानी पियो, मेथी दाने के पानी के साथ कड़ू लिम के पान का पानी पी लो तो और जल्दी ठीक होगा। ऐसे कोई बीमारी नहीं है जो गोमूत्र से ठीक नहीं होती। इवन कैंसर, गले का कैंसर तो बहुत आसानी से ठीक होता है। गले में किसी को भी कैंसर हो उसको बोलो गोमूत्र पियो और उसके 1-1.5 घंटे के बाद वो आता है ना हड़द,
ताजा हड़द, उसका 2 चम्मच रस निकाल के पी लो 1-1.5 घंटे के बाद, अद्भुत काम करता है गले के कैंसर। तो ऐसी कोई बीमारी नहीं जो हमारे लिए औषध के रूप में हम उपलब्ध नहीं। 2 ही चीजों का ध्यान रखना है, स्वयं पाक घर और गाय का मूत्र। क्योंकि मैंने जो कुछ बोला, मेथी बोला, दालचीनी बोला, हड़द बोला, ये सब स्वयं पाक घर में। स्वयं पाक घर में 148 औषध है, उनका गोमूत्र के साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन। एक खराब बीमारी होती है जिसको जॉन्डिस कहते हैं, कामड़ा, इसका सबसे अच्छा है गाय का मूत्र पियो सवेरे और 1-1.5 घंटे के बाद चूने का पानी दही में मिला के खाओ। तो जो जॉन्डिस को एलोपैथी के डॉक्टर 1 महीने में ठीक करते हैं, वो 8-10 दिन में ठीक होते हैं। लीवर सिरोसिस जॉन्डिस से भी ज्यादा खराब डिसीज है, वो भी ठीक होती है। कोई कहता है कि मुझे जलन बहुत होती है, पेट में आग पड़ती है, गैस्ट्राइटिस बहुत हुई है, उनसे कहो गाय का मूत्र पियो और खाना खाने के बाद पानी पीना बंद कर दो, तो खराब से खराब गैस्ट्राइटिस ठीक होती है। कोई ऐसी बीमारी नहीं जो ठीक नहीं होती। एक सबसे खराब बीमारी पूरी दुनिया में है, गैंग्रीन और ऑस्टियोमाइलाइटिस। गैंग्रीन में आप जानते हैं डॉक्टर क्या करते हैं, जिस भी शरीर के हिस्से में गैंग्रीन हो काट देते हैं, ऑस्टियोमाइलाइटिस में भी काट देते हैं। मैंने ऑस्टियोमाइलाइटिस और गैंग्रीन के पेशेंट खाली गोमूत्र से ठीक किए। और उसका इलाज क्या है, हमारे घर में, सॉरी माफ करिए, बाजार में एक फूल आता है जिसको हम गेंदे का फूल कहते हैं, मैरी गोल्ड, बोटनिकली कहते हैं कैलेंडुला, मराठी में कहते हैं झेंडू का फूल। ये जो झेंडू का फूल है अद्भुत है, इसकी चटनी बनाओ गोमूत्र में और वो चटनी को गैंग्रीन जहां है उस हिस्से पे लगाओ, या ऑस्टियोमाइलाइटिस, 3-3.5 महीने लगातार करो, कंप्लीट क्योर होता है गैंग्रीन, बिना कट किए, बिना एम्प्यूटेशन के। आंख की एक बहुत गंभीर बीमारी है, उसका नाम है रेटिनल डिटेचमेंट, जिसमें एलोपैथी के डॉक्टर ऑपरेशन करने से भी डरते हैं क्योंकि गारंटी नहीं है कि रोशनी आएगी। लेकिन रेटिनल डिटेचमेंट में सिर्फ इतना कि गाय के मूत्र को 2-2 थेम आंख में डालो, 1-1.5 महीने में रेटिनल डिटेचमेंट ठीक होता है। अगर कैटरेक्ट है तो कैटरेक्ट डिसॉल्व होता है, आंखों का चश्मा उतारना है तो वो चश्मा उतर जाता है। कोई आई अगर गर्भावस्था में है तो सामान्य रूप से क्या होता है, गर्भावस्था पूरी होने के बाद बच्चा हो जाता है, उसके बाद गर्भाशय की तकलीफ होती है, गर्भाशय डिस्प्लेस हो जाता है अपने स्थान से अलग। अब डॉक्टर्स के पास उसका इलाज नहीं है, ज्यादातर डॉक्टर्स क्या करते हैं कि गर्भाशय को ही काट के निकाल देते हैं, ये इलाज नहीं है, उसको वापस उसके स्थान पर स्थापित करना है। इसमें गोमूत्र सबसे अच्छी दवा है। गोमूत्र पिलाओ और उसको बोलो कि मेथी के लड्डू बना के खाए। हाँ, गर्भावस्था पूरी होने के बाद बच्चा हो जाएगा तो फिर मेथी के लड्डू गुड़ के साथ बना के खाए, थोड़ा गोमूत्र पिए, तो गर्भाशय अपने स्थान पर वापस आ जाता है। और किसी आई को गर्भावस्था अगर प्रारंभ हुई है तो उसको बोलो कि रात को 1 गिलास गाय का दूध तूप मिला के पिए गाय का, और सवेरे गाय के दूध का दही बनाकर केले के साथ खाए, तो कभी भी जीवन में सिजेरियन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना सिजेरियन बच्चा हो, और उस बच्चे को अपनी जिंदगी में कभी हेपेटाइटिस के इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, पोलियो के वैक्सीन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो जीवन पर्यंत स्वस्थ होगा। तो ये छोटी छोटी बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि शहर के लोगों में जो कुतर्क घुस गया है ये दूर करने में बहुत मदद करता है। फिर कुछ लोग कहते हैं, राजीव भाई जब तक आप बोलते हैं तब तक तो याद रहता है, 2 घंटे बाद सब भूल जाते हैं, क्या करें? तो उसका भी मैंने एक इलाज कर दिया है कि ये जितनी भी माहिती मैंने दी इसकी भी एक पुस्तक बनाई है, उसका नाम है गोमूत्र चिकित्सा, गाय के मूत्र से क्या क्या चिकित्सा हो सकती है, 148 रोग में आप कैसे कर सकते हैं, वो भी पुस्तक है, वो भी बाहर है। एक और पुस्तक बनाई है कि गाय मूत्र के साथ, मैं बार बार बोल रहा था ना, मेथी दाना, कभी दालचीनी, कभी हड़द, इसकी एक पुस्तक अलग से बनाई है, स्वदेशी चिकित्सा, सौंदर्य चिकित्सा, माने स्किन डिसीज जितनी हो जाती है। एक पुस्तक मैंने बनाई है कि गोमूत्र और स्वयं पाक घर दोनों मिलाकर कोई भी व्यक्ति अपनी चिकित्सा स्वयं कर सकता है, डॉक्टर के पीछे ज्यादा घूमने की जरूरत नहीं। और आजकल मेरी आपसे एक विनम्र प्रार्थना है कि आप बीमारी से नहीं डॉक्टर से बचो। बीमारी खराब नहीं, डॉक्टर तकलीफ दे रहे हैं, कैसी कैसी तकलीफें देते हैं। कभी ब्लड प्रेशर चेक कराओ आपका तो कहेंगे जी हाई है, और तुरंत बोलेंगे आप कभी भी मर सकते हो।
तो क्या करो, ऑपरेशन करा लो। कौन सा ऑपरेशन? एंजियोप्लास्टी। तो आप पूछोगे डॉक्टर 2-3 दिन का समय तो दे दो। अरे 2 दिन नहीं, 20 मिनट में मर जाओगे तुम। अगर आ जाओ, बेड खाली पड़ा है, तुम्हारे लिए इतना बड़ा हॉस्पिटल बांधा है, इसमें एसी भी लगा है, कंप्यूटर भी है और इसमें टीवी भी लगा है, अभी ये होटल जैसा है, आ जाओ जल्दी भर्ती हो जाओ। बेचारा डर के मारे भर्ती हो जाता है। डॉक्टर क्या करेगा, पहले एंजियोग्राफी करेगा, फिर उसको दिखाएगा, देखो यहाँ 70% ब्लॉकेज है, यहाँ 80% है या 90% है, डर गया, अब क्या, तुरंत ऑपरेशन कराओ। तो वो ऑपरेशन करता है। ऑपरेशन में क्या है, एंजियोप्लास्टी ऑपरेशन में एक स्टंट डालते हैं, स्प्रे, वो 3 रुपए 80 पैसे की बनती है और बिल 1,00,000 रुपए बन जाता है उसका, क्योंकि डॉक्टर का कमीशन है, कंपनी का कमीशन है, एजेंट का कमीशन। अब मुश्किल क्या आती है कि ये जो स्टंट है ये 6 महीने में बेकार हो जाता है, क्योंकि हृदय की जिस नली में रुकावट को हटाने के लिए ये स्टंट डाला, उसके आगे और पीछे रुकावट आ जाती है तो फिर बेकार, फिर बाईपास सर्जरी कराओ, 3-4 लाख और खर्च होता है और फिर गारंटी नहीं है कि कब आप यमराज के पास पहुंचो। अब मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाता हूं। अभी थोड़े दिन पहले मेरा एक दोस्त है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली में सर्जन है, डेली एंजियोप्लास्टी के 8-10 ऑपरेशन करता, उसको हार्ट अटैक आया और जैसे ही मुझे खबर मिली कि उसको हार्ट अटैक आया, तुरंत मैंने फोन लगाया, मैंने कहा भाई तुमने एंजियोप्लास्टी कराया कि नहीं अपना? क्या लगा? नहीं कराया। मैंने कहा बाईपास सर्जरी कराया? नहीं कराया। फिर क्या किया तुमने, जिंदा कैसे हो? तो उसने कहा मैं स्वामी रामदेव के आश्रम में गया था हरिद्वार और दूधी भोपले का रस पी के आया, अभी मैं ठीक हूं। तो मैंने उसको कहा कि ये माहिती तुम्हारे पेशेंट को दोगे? उसने कहा यार धंधा खराब करने का, ये माहिती पेशेंट के लिए नहीं है, मेरे लिए है। मैंने दूधी भोपले का रस पिया, मैं ठीक होके आया। मैंने पूछा कि अभी चेक कर लिया ब्लॉकेज वगैरह? उसने कहा सब ठीक है। ये तो सच्ची है घटना, और कोई वो डॉक्टर छोटा मोटा डॉक्टर नहीं है, उसका नाम है डॉक्टर नरेश त्रेहान, जो खुद 10 ऑपरेशन रोज करता है। वो कहता है मैं दूधी भोपला पी के स्वामी रामदेव के आश्रम में प्राणायाम करके ठीक हो गया। मैं कहना चाहता हूं वो ये कि हर व्यक्ति ठीक हो सकता है। रामदेव जी ने आज तक 3 लाख से ज्यादा पेशेंट ठीक किए हैं जिनको ये आर्टरीज में ब्लॉकेज थे 70%, 80%, 90%, बिना ऑपरेशन ठीक किया, चैलेंज देके ठीक किया, और उनमें मैक्सिमम केसेस डॉक्टरों के, जो उनके सामने बैठकर प्राणायाम सीखकर दूधी भोपले का रस पीकर ठीक हुए। इसका माने कि आर्टरीज में ब्लॉकेज को रिवर्स किया जा सकता है, और इसका माने दूधी भोपला इसकी सबसे अच्छी औषधि है। तो आप भी पियो अगर हार्ट की प्रॉब्लम है। मैं कहना यह चाहता हूं कि बीमारी से नहीं डॉक्टर से बचो, और डॉक्टर से बचने के लिए स्वयं पाक घर जिंदाबाद है, वहां सभी औषधि है, और गाय माता जिंदाबाद है, उसका मूत्र है। बस माहिती ले लो कि स्वयं पाक घर में क्या है, जिससे क्या होता है, और गोमूत्र के साथ उसका कॉम्बिनेशन क्या है। भारत में कई सुंदर पुस्तकें लिखी गई हैं इस विषय पर। सबसे अच्छी पुस्तक चरक ऋषि ने खुद लिखी है, चरक संहिता, उसमें गोमूत्र को दुनिया की सबसे अच्छी औषधि बताया उन्होंने। दूसरी पुस्तक है भाव प्रकाश, तीसरी है निघंटू, और एक बहुत अच्छी पुस्तक है अष्टांग हृदय। ये 4 पुस्तकें हैं आयुर्वेद में जिनमें गोमूत्र और स्वयं पाक घर की औषधियों से सभी बीमारियों का इलाज आप कर सकते हैं, वो बताया है। अब इन पुस्तकों को पढ़ने की एक ही तकलीफ है कि संस्कृत आनी चाहिए, क्योंकि ये संस्कृत में। अभी तो वैसे इनमें से 1-2 पुस्तकें मराठी में भाषांतर हुई है, लेकिन मूल पढ़ना हो तो संस्कृत में। संस्कृत आती नहीं हमको, हमने कभी सीखी भी नहीं, अंग्रेजी सीख लिया जिससे कोई ज्ञान नहीं मिलता, और दुनिया की सबसे रद्दी भाषा है। जो बोलते हैं वो लिखते नहीं, जो लिखते हैं वो बोलते नहीं। अंग्रेजी में एक शब्द है सुनामी, कैसे लिखते हैं? TSUNAMI। बोलते क्यों नहीं? टी सुनामी। कहते जी टी साइलेंट है, तो लगाया क्यों, हटा दो उसको। एक शब्द है किटचन, KITCHEN, कहते नहीं नहीं किचन, फिर KIT क्यों लिख रहे हो, टी साइलेंट है, क्यों लगाया, हटा दो। ऐसी मूर्खता की भाषा। PUT पुट, तो BUT,
बुट और ब्यूटी बट तो प्यूटी पट, कुछ लॉजिक है इस, विचित्र भाषा है और लोग लगे हैं इसको बोलने में, कभी कभी तो बिना सोचे समझे बोलते हैं। कुछ पढ़े लिखे लोगों के घर में जाता हूं, कहते हो राजीव दीक्षित शी इज माई मिसेस, मैं पूछता हूं रियली? तब वो थोड़े बौखलाते, फिर पूछते व्हाट डू यू मीन, मैं उनको कहता हूं डू यू नो द मीनिंग ऑफ मिसेस। इंग्लिश डिक्शनरी अगर खोल कर उठाओ तो सबसे पहली डिक्शनरी बनी इंग्लैंड में बैबस्टर। अगर आप बैबस्टर डिक्शनरी उठाओ और उसका फर्स्ट एडिशन देखो तो मिसेस का अर्थ है धर्म पत्नी को छोड़कर कोई भी महिला। वो मिसेस होती। और यूरोप में बताया ना धर्म पत्नियां नहीं होती, हाँ, क्योंकि 70% यूरोपियन तो शादी ही नहीं करते, बिना शादी के रहते। वो एक शब्द उन्होंने बनाया लिव इन रिलेशनशिप, जिसमें शादी नहीं होती तो धर्म पत्नी नहीं होती, तो वो सब मिसेज होती है। हाँ, मिसेज का ये मतलब, और मिस्टर उसका वाइसी वर्षा। पति को छोड़कर कोई भी पुरुष वो मिस्टर होता है, और हम लगे हैं अपनी श्रीमती को मिसेस बनाने, मिसेस। तब मैं पूछता हूं रियली शी इज योर मिसेस, तो वो बौखलाते हैं, बिना जाने अंग्रेजी का इस्तेमाल मत करो, अच्छी भाषा नहीं होती। कुछ तो इतनी समस्याएं हैं अंग्रेजी में, जैसे संबंध रिलेशनशिप, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, माने संबंध भी बाई लॉ, कानून से सब संबंध है। क्या चक्कर क्या है फादर इन लॉ मदर इन लॉ? मैंने इसकी हिस्ट्री पढ़ी तो बहुत इंटरेस्टिंग है। हिस्ट्री ये है कि इंग्लैंड में यूरोप में 1500-1600 साल एक परंपरा रही है जिसमें कोई साधारण व्यक्ति शादी नहीं कर सकता था बिना राजा की अनुमति के। राजा की अनुमति मिले तो शादी होती थी, बिना अनुमति आप शादी नहीं कर सकते। तो जानते हैं क्या हुआ इसमें, कि राजा की अनुमति के बिना शादी करवाने का काम एक व्यक्ति ने किया, उसका नाम था वैलेंटाइन। रोम में एक वैलेंटाइन नाम का पादरी था, चर्च में काम करता था। उसने एक अभियान चलाया कि मैं शादी कराऊंगा बिना राजा की अनुमति के। तो जिस दिन राजा को पता चला, राजा था उस समय क्लॉडियस रोम का, तो उसने क्या किया कि वैलेंटाइन को फांसी दे दिया, मृत्यु दंड। और 14 फरवरी सन 498 को उसको फांसी हुई। तो उस वैलेंटाइन की याद में उन लोगों ने वैलेंटाइन डे मनाना शुरू किया जिनकी शादियां उसने कराई थी वैलेंटाइन। अब हम पागलों की तरह से वैलेंटाइन डे मनाए बिना सोचे समझे, क्योंकि हमारे यहां कोई राजा ऐसा नहीं हुआ जिसने शादी करने पे पाबंदी लगाई हो। यहां तो उल्टा है, एक नहीं दो दो करो, तीन तीन करो, चार चार करो। तो हमें वैलेंटाइन डे मनाने की जरूरत नहीं। और उनके यहां क्या होता था कि राजा की अनुमति से शादी होती थी, इसलिए सारे रिश्ते बाई लॉ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ऐसा है चक्कर अंग्रेजी का। अब हम उसकी नकल करें तो कितनी मूर्खता है। बड़ा विचित्र है ये अंग्रेजी का साम्राज्य। मैं किसी के घर में जाता हूं, पता चला पिताजी का नाम रामदयाल, माताजी का नाम गायत्री देवी, बेटे का नाम टिंकू। अरे रामदयाल गायत्री देवी का टिंकू कहां से आ गया? टिंकू पिंकू बबली डबली ट्विंकल ट्विंकल, पता नहीं क्या क्या विचित्र विचित्र नाम रखते हैं। अपने नाम बहुत अच्छे हैं मराठी में, हिंदी में, संस्कृत में, क्यों आप ये टिंकू पिंकू में फंस गए? और टिंकू का अर्थ जान लो पहले, फिर करो। वेबस्टर डिक्शनरी में टिंकू का मतलब है आवारा लड़का, जो बाप की भी ना सुने माँ की ना सुने वो टिंकू होता है। तो बनाने का है तो बोलो टिंकू टिंकू, थोड़े दिन में हो जाएगा। तो ये अंग्रेजी में हम फंस गए बेकार, कुछ फालतू में, कुछ काम भी नहीं है उसमें। कहते हैं दुनिया का ज्ञान है, कुछ ज्ञान व्यान नहीं है अंग्रेजी। अंग्रेजी तो वैसे ही खिचड़ी है, थोड़ा उन्होंने जर्मन से लिया, थोड़ा फ्रेंच से लिया, थोड़ा इटालियन से लिया, थोड़ा डच में से लिया, थोड़ा रशियन से ले लिया, थोड़ा यहां से थोड़ा वहां से, तो खिचड़ी बना के अंग्रेजी पेश कर दी।
और चूंकि ये खिचड़ी है इसलिए इसके लॉजिक बहुत विचित्र हैं, प्यूटी पट ब्यूटी बुट या ब्यूटी बट ब्यूटी पुट, ये सब इसलिए चक्कर है। अंग्रेजी का ग्रामर दुनिया में सबसे खराब है, और आप जानते हैं दुनिया की जितनी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं संयुक्त राष्ट्र संघ को जोड़कर कोई अंग्रेजी में काम नहीं करती, सब फ्रेंच में काम करती है। हमने फालतू एक फोबिया बना रखा है कि अंग्रेजी के बिना दुनिया नहीं चलती। दुनिया में 200 देश हैं जिनमें से 7 देशों में सिर्फ अंग्रेजी चलती है, बाकी कहीं नहीं चलती, और वो भी 7 देश इसलिए कि अंग्रेजों के गुलाम थे, अभी तक छोड़ नहीं पाए उस अंग्रेजी। उन 7 देशों में 3 तो अपने ही हैं, भारत पाकिस्तान बांग्लादेश, और बाकी है अमेरिका कनाडा और ब्रिटेन, बाकी किसी देश में नहीं। सभी देशों की अपनी भाषाएं, फ्रांस में फ्रेंच है, जर्मनी में जर्मन है, इटली में इटालियन है, स्वीडन में स्वीडिश है, सब जगह अपनी भाषा, रूस में रशियन है। और आप जानते हैं रूस का राष्ट्रपति अंग्रेजी जानता बोलता नहीं, चीन का राष्ट्रपति अंग्रेजी जानता बोलता नहीं, जापान का प्रधानमंत्री अंग्रेजी जानता बोलता नहीं। जब भी भारत आते हैं अपने देश की भाषा में बात करके हम तो समझते नहीं, तो वो कहते हैं दिस इज योर प्रॉब्लम नॉट माइन, वो कहते हैं आप तुम्हारी समस्या हल करो, मैं नहीं बोलता अंग्रेजी में, तुमको मेरी भाषा समझनी है दुभाषिया लेके बैठो समझो उसको, ये हमेशा होता है। फिर उनको पूछो क्यों आप ऐसा करते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं मेरी भाषा का सम्मान करता हूँ इसलिए मैं मातृभाषा में बात करता हूँ। हमको मातृभाषा बोलने में क्या तकलीफ है, बोलो ना मराठी गुजराती तमिल तेलुगु कन्नड़ मलयालम, और ये सब भाषाएं अंग्रेजी से अच्छी, क्योंकि भाषा अच्छी वो मानी जाती है जिसमें शब्दों की संख्या बहुत हो। अंग्रेजी में शब्द बहुत ही कम है, उदाहरण के लिए सूर्य क्या शब्द है, सन एक ही है ना, SUN, दूसरा कोई है, दूसरा है कोई इक्विवेलेंट सन का, नहीं। मराठी में सूर्य के 12 शब्द हैं, दिनकर दिवाकर रवि भास्कर मार्तंड क्या क्या शब्द, संस्कृत में भी वही है मराठी में भी। मून चंद्रमा एक ही है अंग्रेजी मराठी में 12-13 चंद्रमा, पानी वाटर एक ही है, और यहाँ सलिल नीर जल पानी के 14-15 शब्द। तो शब्दों की संख्या मराठी में हिंदी में गुजराती में अंग्रेजी से ज्यादा, इसलिए ये भाषाएं ऊंची है। और अपने बच्चों को भगवान के लिए कभी भी ऐसा मत सिखाना, मैं कभी कभी अंग्रेजी ना लोगों के घर में जाता हूँ तो तुरंत उनके घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, कहते देखो अंकल आए अभी पोइम सुनाओ, तो उनके यहाँ चालू हो जाते हैं टेप रिकॉर्डर की तरह से, रेन रेन गो अवे कम अगेन अनदर डे लिटिल बेबी वॉन्ट्स टू प्ले। मैं पूछता हूँ क्या बोल रहे हो, सत्यानाश कराना है देश का, रेन रेन गो अवे कम अगेन अनदर डे, अगर सुन लिया भगवान ने तो क्या होगा, बारिश तुम चली जाओ कभी भी मत आओ क्योंकि मुझको खेलने का है, अगर बारिश नहीं हुई तो सूखा पड़ेगा शेतकरी मरेगा तुम भी मरोगे। बिना अक्कल के रेन रेन को अवे सिखा, तो फिर पूछते क्या सिखाएं, तो सिखाओ ये रे पाउसा तुला दे तो पैसा पैसा झाला भाषा का संस्कार होता है। तो मराठी में संस्कार है ये रे पाउसा, अंग्रेजी में है रेन रेन गो अवे, अब तय करो क्या लाना है। इसलिए भाषा अपनी सीखो, और समय बचे तो संस्कृत जरूर सीखो जिसमें ये सारा ज्ञान है, वेद उपनिषद आयुर्वेद सब संस्कृत में है, थोड़ा सीख लो बहुत ज्ञान है, और वो ज्ञान आपके भी काम आएगा देश के भी काम है। उसी संस्कृत की मदद से मैंने थोड़ा ज्ञान लिया है, भाव प्रकाश पढ़ा, निघंटु पढ़ा, फिर ये पढ़ा अष्टांग हृदय, और इसके आधार पर 5-6 किताबें बना दिया, वो बाहर हैं हिंदी में है मराठी में है, आप ले जाओ पढ़ो पढ़ाओ। मैंने आपसे कहा मेरा कोई कॉपीराइट किसी पर नहीं है, आपकी इच्छा हो तो अपने नाम से प्रकाशित करो, संस्था के नाम से बनाओ, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि गाँव गाँव इसका प्रचार हो तो गाय की हत्या तुरंत रुके, क्योंकि जैसे जैसे ये प्रचार होगा गाय मूत्र से ये बीमारी ठीक होती है ये बीमारी ठीक होती है गाय के शेन से ऐसा होता है, फिर कोई शेतकरी गाय नहीं बेचेगा, भले दूध ना दे तो भी गाय को पाल के रखेगा। और जिस दिन ये हो गया उस दिन सब कसाईयों को धंधा बदलना पड़ेगा। तो एक काम तो हम सरकार की मदद से करें और एक काम हम स्वयं करें, जो स्वयं करेंगे वो टिकने वाला है, क्योंकि सरकार का कानून पता नहीं कब बदल जाए, अगली कोई सरकार आए उसका उल्टा कानून बना दे, सरकारों का तो कोई भरोसा नहीं ना। लेकिन जो समाज करेगा वो टिक जाएगा,
तो हमको ये अभियान चलाना है गोरक्षा का, और इसी अभियान के लिए थोड़ा थोड़ा सा अपने जीवन का समय दान करना है, और वो समय दान करके आप मैं सब मिलके लगे तो जरूर अगले 4-5 साल में ये देश की तासीर बदल जाएगी और एक भी गाय कत्ल होने नहीं जाएगी। फिर मैं कल्पना करता हूं कि अगर गाय की संख्या बढ़े तो क्या होगा। मैंने एक दिन हिसाब लगाया, अभी 17 करोड़ गाय है इस समय, 34 कोटी हो जाए। जब भारत आजाद हुआ था तो सामान्य रूप से भारत में एक मनुष्य पर एक गाय थी, 34 कोटी हमारी लोक संख्या थी और लगभग 34 कोटी ही गाय थी, लेकिन आजादी के 60 साल में 17 कोटी गाय कम हो गई, अब सिर्फ 17 कोटी है। दुनिया में हमसे अच्छे कई देश हैं जहां गायों की संख्या मनुष्यों से ज्यादा है, न्यूजीलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, ये तीनों देश में गाय की संख्या मनुष्यों से ज्यादा है। ऑस्ट्रेलिया में गाय की संख्या मनुष्यों की संख्या बराबर है। तो मैं उन सब पुढ़ारियों को कहना चाहता हूं कि जिन देशों में गाय की संख्या मनुष्यों से ज्यादा वो कैसे जिंदा है, ऑस्ट्रेलिया कैसे जिंदा है, न्यूजीलैंड कैसे जिंदा है, डेनमार्क कैसे जिंदा है, नॉर्वे कैसे जिंदा है। अगर ये देश जिंदा है तो हम भी रहने वाले, चिंता की क्या बात है। तो गाय की संख्या बढ़े तो चिंता मत करो, परेशानी उसमें नहीं आने वाली, क्योंकि भगवान ने कुछ ऐसा गाय को वरदान दिया है कि वो जहां जाएगी अपनी व्यवस्था खुद कर लेगी और उसके साथ समृद्धि जरूर जाएगी। और भारत में गाय का महत्व तो इतना ऊंचा रहा है, एक राजा दिलीप की कहानी मैंने बचपन में सुनी थी, रामचंद्र जी के वंशज थे, गाय के पीछे पीछे घूमते थे, उनकी एक गाय थी कपिला, वो जहां जाती थी दिलीप उसके पीछे जाते थे, राज्य उन्होंने मंत्रियों को सौंप रखा था, वो गाय की सेवा में लगे रहते थे। एक बार जंगल में गाय के सामने शेर आ गया और शेर ने तय किया कि इसको खाएंगे गाय, तो राजा दिलीप ने कहा कि गाय को छोड़ दो मुझे खा लो, इतनी ऊंची मान्यता गाय के लिए है। मैंने हिंदुस्तान में अभी एक गांव देखा, दो गांव देखे लगभग 8 दिन पहले, नहीं अभी 5 दिन पहले की घटना, कर्नाटक में एक गांव है हावेरी जिले में बेडगी तालुका में, उस गांव में एक बहुत बड़ा मठ है 400 साल पुराना, उस मठ की मुख्य मठाधिपति गाय है और 400 साल से ये चल रहा है। मैंने उस गांव के नागरिकों को पूछा कि आपने मठाधिपति गाय को क्यों बनाया, तो उसने कहा मनुष्य में वो गुण नहीं है, गाय में है, इसलिए हमने मठाधिपति बनाया। मैंने पूछा इसमें क्या गुण है, उन्होंने कहा जो संत में गुण है वो सब इस गाय में है। वो गाय कैसी है, गांव में किसी की भी मृत्यु हो जाए तो सबसे पहले शव यात्रा में आगे आगे वो गाय जाती है और जब उसका अंतिम संस्कार होता है व्यक्ति का तब तक वहीं पर बैठती है, मनुष्य तो भाग आते हैं वहां से, आग लगाई और भाग लिए, वो गाय वहीं बैठती है 3-3.5 घंटे, जब तक पूरी चिता दहन नहीं होती वहीं बैठती है। फिर चिता दहन होने के बाद वो नदी में जाके स्नान करती है, उसके बाद भोजन ग्रहण करती है, वो गाय ऐसी। तो गांव वाले कहते हैं कि इसमें जो गुण है वो किसी मनुष्य में नहीं है, ऐसी गाय इस देश में पता नहीं कितनी, मुझे तो एक पता चला, पता नहीं कितनी होंगी। तो गाय की जो मान्यता है वो बहुत ऊंची है इस देश में, और उस मान्यता को अगर बचाकर रखना है तो गाय की रक्षा करनी है। रक्षा करने के लिए हमें थोड़ा प्रयास करना है अपने जीवन में, और एक प्रयास सरकार के स्तर पर, दूसरा व्यक्ति के स्तर पर। व्यक्ति के स्तर पर छोटे छोटे दो काम, के शेतकरी बांधवों को ये बताएं कि शेनखत से, गोमूत्र से खेती करो, शहर में रहने वालों को बताएं कि गोमूत्र से चिकित्सा करो। चिकित्सा और खेती विषय में जितनी पुस्तकें आपको लगेंगी वो सब बना दिया है मैंने, आप ले लो, और इस विषय पर 40 घंटे की एक CD भी बनाई है मैंने, ऑडियो CD, वो आप सुन सकते हो, 40 घंटे के व्याख्यान उसमें है इन सभी विषयों पर, 6 घंटे की वीडियो CD भी है, वो भी आप सुन सकते हो, सुन के दूसरों को सुना सकते हो, कॉपी करके दूसरों को दे सकते हो। करना है ये काम, और अगले 4-5 साल में इस देश को ये कलंक से मुक्त कराना है कि यहाँ गाय कटती है, भारत में ये कलंक मिट जाना चाहिए कि यहाँ गाय कटती है। और अगर ये हो गया तो मंगल पांडे की आत्मा को सच्ची श्रद्धांजलि हम देंगे, और मंगल पांडे जैसे उन लाखों क्रांतिवीरों को श्रद्धांजलि देंगे जिन्होंने गाय के लिए अपना जीवन होम किया। और मैं आपको विनम्रता पूर्वक कहता हूं कि इस कार्य में आपको सभी साधु संतों का आशीर्वाद मिलेगा।
सभी का, और सभी संस्थाओं का आशीर्वाद मिलेगा, सहयोग मिलेगा, कोई विरोध नहीं करेगा। विरोध कुछ होगा तो राजनेता करेंगे, और उनकी कोई दम नहीं है, ताकत नहीं है, आप उनसे डरो मत, वो तो पानी के बुलबुले, आज है कल नहीं है। संतों का आशीर्वाद मिलेगा, समाज का सहयोग मिलेगा, संस्थाओं का सहयोग मिलेगा, इसलिए डरने की कोई बात नहीं, पीछे हटने की बात नहीं, बस एक संकल्प लेना है कि हम करेंगे, और करने के लिए थोड़ा समय मैनेजमेंट करना है, सप्ताह में एक दिन एक घंटे इस काम के लिए देना है, ज्यादा हो तो सप्ताह में दो दिन दो घंटे इस काम के लिए देना है, किसी को भी मिलकर इन सब बातों से कन्विंस करा के उसको इसमें जोड़ लेना है। तो इस तरह का आप अभियान चलाएं, ऐसी अपेक्षा लेकर मैं आया, अगर ये पूरी होगी तो मुझे बहुत खुशी होगी, और दूसरों को आप प्रेरित करें इसको पूरा करने में तो और ज्यादा खुशी होगी। आभार, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राजीव भाई। एक छोटी सी जानकारी देना भूल गया था, ये गोरक्षा का जो संपूर्ण देश में अभियान चलता है, इसके लिए हम लोगों ने एक व्यवस्था की है, इस अभियान में बहुत खर्चा आता है, तो हमने क्या किया है कि कुछ खादी बनाना शुरू किया है, खादी बेचकर हमें जो मुनाफा मिलता है उससे ये अभियान हम चलाते हैं। तो हमारे लगभग 12-14 हज़ार कार्यकर्ता इस काम में पूरे देश में लगे हैं, तो उनकी बनाई हुई कुछ खादी बाहर आई है, आप अगर खरीदेंगे तो इस अभियान के लिए हमें आर्थिक मदद मिलेगी, तो जरूर इसके लिए कोशिश करें।